So again, good morning everyone. My name is Nitesh Kr. I have secured All India rank 96 in CSE 2018, and I'll be joining as a Indian Revenue Service Income Tax probably this December. So abhi language issue Hindi English chalega mix chalega sab chalega okay to abhi aaj we will discuss ki GS2 mein apne ko score kaise karna hai high to score high. I have secured 116 mark in GS2, which is pretty achievable mark. Bahut high bhi nahi hai, bahut low bhi nahi hai, decent hai, acha mark hai. 116 marks probably I think 125 is the highest this year. And why GS2 is very important, ki ek to sabka favorite subject, everyone's favorite subject polity, right? Kitne jano ka favorite hai yahan pe polity? Like I think probably maximum people like polity. To polity is a favorite subject of everyone. Please have a seat. Polity hai sabka favorite subject. Second, current affairs ka GS2 mein it's very important role to play. You need to know how to link the current affairs with your static portion or the syllabus. Okay, so before starting on the like thoda sa yahan se visible hai. So before starting, these are the few key points which you should keep in mind before starting the preparation. Bahut basic points hai, key points hai. Aap inko samajh lete hain to your preparation becomes very easy. बहुत केक वॉक टाइप हो जाएगा टू स्कोर हाई मार्क्स इन GS2. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज नो द सिलेबस. सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. कोई भी एग्जामिनेशन को शुरू करने से पहले नो द सिलेबस, कि सिलेबस क्या है. ट्राई टू डिवाइड द सिलेबस इन डिफरेंट पार्ट, स्मॉल स्मॉल पार्ट में आप उसको डिवाइड कर लें ताकि वो अंडरस्टैंडेबिलिटी आपकी बढ़ जाए उसकी. इट इज़ वेरी ईजी टू प्रोसीड फर्दर वेन यू नो द सिलेबस वेरी वेल. अगर आप सिलेबस समझ लेते हैं, रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लाइक टू हाउ टू कनेक्ट बिटवीन डिफरेंट टॉपिक्स, हाउ टू रिलेट द करंट अफेयर्स विथ योर स्टैटिक पोर्शन, विथ योर सिलेबस, इट बिकम्स वेरी इजी व्हेन यू विल रीड द न्यूज़पेपर एंड यू नो द सिलेबस. आपके बैक ऑफ द माइंड में है सिलेबस, तो आपको पता होगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमको कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे हम रिलेट करते हैं. कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी न्यूज़ आप पढ़ते हो, कहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम आंसर राइटिंग में उसको ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होगी व्हेन यू नो द सिलेबस. ओके, नेक्स्ट इज पास्ट ईयर क्वेश्चंस. पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे हैं किसी ने? देखे कब तक? लास्ट 5 ईयर्स, particularly after 2013, very important. वो सारे questions you should see. इससे क्या होगा कि you will get a clarity कि पूछते किस type के questions हैं, what kind of question UPSC asks, what is expected out of you. आप जब पढ़ते हैं चीज़ को तो आपको किन किन points पे ज़्यादा focus करना है. ये clarity आपकी तभी आएगी जब आपको एक basic understanding होगी कि past years में questions किस तरह से पूछे गए हैं. कई बार similar, around similar topic, not exact question, but थोड़ा सा रिपीटेशन होता है एंड कई बार इंटर जीएस रिपीटेशन भी हो जाता है. ठीक है, लैंडस्लाइड्स पे फॉर एग्जांपल, नॉट इन GS2 बट पूछा था 2016 में, आई थिंक 19 में भी पूछे हैं. इनफैक्ट दो अलग अलग पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू गेट कि हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है. पास्ट ईयर क्वेश्चन, सिलेबस देखा है आप लोगों ने? सिलेबस देख लिया तो वट आई विल डू, आपको मैं थोड़ा सिलेबस, मैंने किस तरह से समझा है सिलेबस को जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था, वो आई ऑल्सो शो यू कि मैंने किस तरह से डिवाइड किया था सिलेबस टू. इससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि हमें अप्रोच कैसे करना है. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज बेसिक बुक्स फर्स्ट आपको कंप्लीट करनी है. NCERTs, लक्ष्मीकांत, जो भी बेसिक बुक्स है, तो आपका बेस क्लियर हो जाए. अपने बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं कि 10th तक हमने क्या पढ़ाई की थी, या उतना रिफ्रेश नहीं है माइंड में. इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, मुझे भी नहीं आता था जब मैंने शुरू किया था. तो उसके लिए बेसिक बुक्स को फर्स्ट करना है, फिर हम एडवांस अगर हमारे पास टाइम है तो, अदरवाइज बेसिक बुक से काम हो जाता है. बताऊँ
एनसीईआरटी में बताऊंगा, मोस्टली क्लास 6 से लेकर 12 तक की करनी है अपने को, ठीक है। उसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली आप जब एक एग्जाम की तैयारी करते हैं एंड यू लिव इन दैट एनवायरमेंट, है ना, मटेरियल आ रहा है, बहुत सारा मटेरियल आ रहा है, करंट अफेयर्स के 10 टाइप के नोट्स आ रहे हैं, बुक्स आ रही हैं, एक ही सब्जेक्ट पे 10 बुक्स लिखी हुई हैं, इतना नहीं पढ़ना है। एवरीथिंग अंडर द सन यूपीएससी पूछता है इट्स अ मिथ, एवरीथिंग अंडर द सन नहीं पूछता है। यू नो द सिलेबस बहुत लिमिटेड है, अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड होनी चाहिए। ये आपको जो है रिसोर्सेज मिनिमम रखने हैं, जितने मैक्सिमम आपका टाइम देना है कंसाइज करने में, चीजों को मिनिमम रखने में, क्योंकि व्हेन यू विल कीप द रिसोर्सेज मिनिमम, आपके एक तो एक टॉपिक को आप एक जगह से बार बार पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर होगी कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा था। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत, आप फर्स्ट रीडिंग दोगे और आप जब सेकेंड रीडिंग दोगे यू विल फाइंड दैट कि आपने कुछ नया सीखा है, सेम चीज नहीं है, कुछ नया आया है, कुछ नया एरिया, कुछ नए एस्पेक्ट्स आए हैं, कुछ नई चीजें, नए प्रोविजंस। रिवाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवाइज एज मच एज यू कैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिविजन करना। क्वाइट नेचुरल है कि आप भूल जाते होंगे चीजों को, क्वाइट नेचुरल, एक बार पढ़ा याद नहीं रहता, सबके साथ होता है। मेनी पीपल आस्क मी कि याद नहीं रहता, पढ़ के क्या फायदा, ये डॉक्यूमेंट क्यों पढ़ूं, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आप उसके छोटे करके नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो बार बार, रिवाइज करेंगे जैसे आप बार बार रिविजन करेंगे, मेक अ शेड्यूल कि इतना मैंने पढ़ा है, ये मुझे रिवाइज करना है। तो इससे क्या होगा, यू विल टेंड टू रिमेंबर पॉइंट्स, प्रोविजन, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, केस लॉज, GS2 में, ठीक है, IR में कितना हमारा ट्रेड है, क्या 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 स्कीम्स चल रही हैं, क्या किसके साथ हमने कोई अग्रीमेंट साइन किया है, ये सारी चीजें आएंगी व्हेन यू रिवाइज ऑफन, नॉट फॉर GS2, ऑल सब्जेक्ट्स, एवरी आपका ऑप्शनल GS के सारे पेपर्स रिवाइज। स्टिक टू द प्लान, आपने एक बार फिगर आउट कर लिया कि हाउ यू हैव टू प्रोसीड, डोंट गो हेयर एंड देयर नाउ कि 3 महीना एक प्लान किया, अब ये बुक छोड़ते हैं, अच्छी नहीं है, दूसरी बुक पे जाते हैं, है ना, चाय पे मिले कहीं पे, चार दोस्तों ने चार मटेरियल बताए, आपने अपना वाला छोड़ दिया, उसको फॉलो करने लग गए, इट नेवर वर्क्स। आपने एक बार प्लान बना दिया, स्टिक टू द प्लान, बिलीव इट, सिलेबस से आपने मैच किया है, आपके सोर्सेस हैं आपके, आपको पता है, पास्ट ईयर के पेपर्स देखें वो कवर कर रहे हैं, इधर उधर नहीं जाना है, जितना हमने डॉक्यूमेंट, जितने हमने बुक लिस्ट, जितने हमने सोर्सेस सोचे हैं उतना ही करना है। ये नहीं 6 महीना एक कर लिया, 6 महीने फिर कुछ और पे चले गए, ये पूरा डेट्रीमेंटल हो जाएगा आपके लिए। राइट आंसर्स, फाइन, मेंस एग्जाम में आपको क्या लिख के आना है, आपको कितना आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाते हैं। राइटिंग आंसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्लियरिंग यूपीएससी, ठीक है, पूरी जर्नी में आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपने पढ़ा है यू नीड टू कन्वे टू द एग्जामिनर, जो भी आपकी कॉपी देख रहा है उसको पता होना चाहिए कि यू नो, आपके मन में बस रह गया यू नो दिस, आपने मन में सोच के उसको नहीं लिखा, कुछ और पे चले गए, कुछ और ज्यादा बातें लिख दी, बेसिक चीजें छोड़ दी, आपको सोचा ये तो पता ही होता है सबको, ऐसा नहीं है। आपको आंसर राइटिंग में अपनी नॉलेज शो करनी है, वहां पे ही आप दिखा सकते हो एग्जामिनर को कि हाउ मच डू यू नो। हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे, कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है, क्या करना है, कैसे आंसर आपका अच्छा हो, एट द सेम टाइम इंफॉर्मेटिव हो, एक्स्ट्रा एज जो आती है आपको मार्क्स में कैसे मिलेगी, थ्रू योर आंसर, सो वेरी इंपॉर्टेंट। GS2, वी कैन डिवाइड GS2 का इंटायर सिलेबस इनटू 4 पार्ट्स, राइट, 4 पार्ट्स में वी कैन डिवाइड पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये 4 पार्ट में GS2 जो है कवर होता है। देन अगेन इनमें सब पार्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, विल सी दैट, बट दिस 4 पार्ट कंसिस्ट ऑफ GS2, इन चारों से GS2 बनता है। सारे पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली, कहीं आपस में इंटरलिंक भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट
मेजरली ये चार पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं GS2 को. पॉलिटी, सबसे पहले पार्ट जो हम प्रीलिम्स के टाइम भी कवर करते हैं अच्छे से, बहुत डेडिकेशन से कवर करते हैं, लक्ष्मीकांत के मल्टीपल रिविजन लेते हैं पॉलिटी. तो दीज आर फ्यू रिसोर्सेज जो कि कंपल्सरी मेरे हिसाब से, मैंने अपनी प्रिपरेशन में इनको ही फॉलो किया था फॉर कवरिंग द पॉलिटी पार्ट. फर्स्ट इज NCERTs, क्लास 6 से लेकर 12 तक की NCERTs आपको करनी है कवर. ठीक है, समबडी वाज आस्किंग अबाउट NCERTs, तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की NCERTs. सेकेंड इज लक्ष्मीकांत. मुझे नहीं लगता आई हैव टू टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बुक. दिस इज कंसिडर एज द बाइबल फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. लक्ष्मीकांत ये बुक है, मेजर पोर्शन ऑफ पॉलिटी, सम पोर्शन ऑफ गवर्नेंस. पॉलिटी का तो खैर पूरा ही यू कैन एक्सपेक्ट कि समहाउ एक से दूसरे चैप्टर्स में कवर हो जाता है लक्ष्मीकांत में. तो लक्ष्मीकांत के हमें पढ़ाई करनी है, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है. वाइल रीडिंग लक्ष्मीकांत क्या क्या पढ़ेंगे हम बात करेंगे उसकी, लक्ष्मीकांत. फिर नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिकली क्या होता है, क्वेश्चंस समटाइम्स आपको लगता है कि जीएस से आ रहे हैं, स्टैटिक से आ रहे हैं, जीएस स्टैटिक से आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस. यू नीड टू गिव करंट अफेयर्स का, उसमें यू हैव टू गिव रेफरेंसेस टू मेक दैट कि आप कंटेम्प्रेरी रियलिटीज के हिसाब से अपना एक आंसर लिख रहे हैं. और वो कैसे आएगा, यू नीड टू रीड द न्यूज़पेपर, कोई भी एक न्यूज़पेपर. आई प्रेफर्ड इंडियन एक्सप्रेस, यू कैन रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ एन इशू. ठीक है, रेगुलर कोई इशू चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी 370 पे इतना हुआ था, तो सीरीज ऑफ आर्टिकल्स आए थे, रीड देम टू गेट ऑल द साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव, वन साइड अदर, सपोर्ट अपोजिशन. ठीक है, कंपाइलेशन मैगजीन्स आती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं मंथली कंपाइलेशन, ईयरली कंपाइलेशंस. फॉलो एनी वन, कोई भी एक आप उठा लो. ठीक है, क्लास में आपको मिल रही है वो सफिशियंट है, क्लास में नहीं मिल रही है बाहर से ले लो, कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का उठा लो, मोर और लेस कंटेंट इज सबका ऑलमोस्ट सेम होता है. उसमें आपको क्या है, इफ इवन इसमें क्या होता है कि मेनी पीपल डू नॉट मेक नोट्स, रेगुलर नोट्स नहीं बनाते या उनको अपडेट नहीं करते टाइमली. ठीक है, कंपाइलेशन मैगजीन्स से आपका जो है वो पोर्शन कवर होता है, आपको वो फायदा बेनिफिट मिलता है. और कई बार होता है कि आपने न्यूज़पेपर या अपने नोट्स में कुछ मिस किया है, मिस आउट किया है. ठीक है, कोई बहुत हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन थी जिसका रेलेवेंट था, रेलेवेंस था इसमें, बट यू मिस्ड इट आउट. तो आप एक बार देख लो कि कंपाइलेशन मैगजीन्स जो हैं उसमें वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, आइदर यू इनकॉर्पोरेट इन योर नोट्स. अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, विच आई वोंट रिकमेंड, तो आप यहाँ से कर लो उसको. ठीक है, PRS समरी. PRS की एक तो मंथली बुलेटिन आती है, समरी आती है, एंड स्पेशल बिल्स एक्ट्स या फिर कोई जो ऑर्डिनेंस है कुछ पास हुआ है तो उस पर PRS समरी देता है. एक पेज की होती है, ज़्यादा नहीं, मोस्टली एक पेज की होती है, अनलेस वेरी कोई बहुत इंपॉर्टेंट या बड़ा बिल आ गया लाइक GST काइंड ऑफ, तो उस पर 2-3 पेज की हो सकती है, बट यूजुअली इट्स वेरी ब्रीफ एंड कंसाइज. ठीक है, तो PRS समरी यू कैन फॉलो. ठीक है, पीपल ऑल्सो रिकमेंड PIB, मैंने नहीं किया था, सो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू. मेरा इतना ही था, इतना ही मैंने कवर किया था, PIB मैंने नहीं किया था, बट यू कैन सब्सक्राइब टू PIB. अगर वो कुछ जो है इंफॉर्मेशन मिस आउट हो गई है या फिर कंपाइलेशन ने कवर नहीं किया है या फिर आपके जो आप डेली कुछ देख रहे हो उसमें कवर्ड नहीं है, तो यू कैन फॉलो, बट दैट इज ऑप्शनल. आप सबका मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट, क्लासेस चल रही है, तो उसमें वेरी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इतने ज़्यादा सोर्सेज, इतना टाइम नहीं मिलता कि लोग रिकमेंड करते हैं अरे कुछ नहीं सोते सोते देख लिया PIB. ठीक है, बट आई अंडरस्टैंड कि अदर चीज़ें भी होती है देखने के लिए, तो आई विल से दैट कि इतना करो आप इफ टाइम परमिट्स. ठीक है, इफ टाइम परमिट्स अपना ऑप्शनल या अदर सब्जेक्ट के साथ में अगर इतना टाइम मिल रहा है तो PIB भी यू कैन डू. सेकेंड ARC की 6th रिपोर्ट है ऑन लोकल गवर्नेंस. ठीक है, पूरी नहीं पढ़नी है, पूरी नहीं पढ़नी है, बहुत पुरानी है. ठीक है, समरी इसकी आप देख लो, अवेलेबल है समरी, आप इसकी रेफर कर लो. उसमें फोकस करना है रिकमेंडेशन पे. ठीक है,
जो उसने मेजर रिकमेंडेशन दिए हैं या जो चीज़ अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, ठीक है, उस पर फोकस करना है ज़्यादा। समरी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सिक्स एआरसी रिपोर्ट, मैं सिलेबस लेके आया था बट ये शायद अभी इस पे आ नहीं रहा है, विजिबल नहीं हो रहा है, तो विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। गवर्नेंस, सेकंड पार्ट है आपका गवर्नेंस। गवर्नेंस पे हमें पढ़नी है सेकंड एआरसी की समरीज। मैंने रिपोर्ट्स यहाँ पे मेंशन करी हैं, ये डायरेक्टली आपको जो है सिलेबस में उसका रेफरेंस मिल जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। व्हेन यू विल पिक अप फर्स्ट एआरसी फोर्थ या नाइन्थ, उसमें जो आप ये देखना जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स है, समरी देखनी है, नॉट द इंटायर थिंग, ठीक है। बहुत बल्की हो जाएगा, इतना हमें बहुत मिनिमम रिसोर्सेज रखनी है, ठीक है, नॉट द इंटायर थिंग, कम रखनी है। तो फर्स्ट फोर्थ ये आप सारी एआरसीज यू कैन नोट, इसको रिलेट करो आप गवर्नेंस के अपने चैप्टर्स से, टॉपिक्स से जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है। सेकेंड नीति आयोग, नीति आयोग कम्स अप विथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं नीति आयोग की तरफ से, रिपोर्ट्स आती हैं, वो आती हैं। इसमें एक स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 करके आई है, शायद नवंबर लास्ट ईयर आई थी ये वाली। इसमें देयर इज अ पार्ट ऑन गवर्नेंस, गवर्नेंस में एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसमें इफ यू विल सी दैट पार्ट आपको इजीली यू विल एबल टू कनेक्ट इट विद द सिलेबस, ठीक है। एक एक पार्ट करके उठाया हुआ है, आइदर यू कैन फॉलो अ समरी और यू कैन गो टू द रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट बल्कि है 230 पेज के आसपास की है, बट गवर्नेंस पार्ट उसमें स्मॉल ही है, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। समरी भी देख सकते हो कहीं से भी, किसी भी इंस्टीट्यूट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बार डॉक्यूमेंट आप देख लीजिएगा, इफ यू थिंक दैट कि आप उसको कर पाएंगे बहुत जल्दी जल्दी, डू दैट, अदरवाइज गो फॉर अ समरी। नेक्स्ट एथिक्स में एक इनफैक्ट दो टॉपिक्स हैं, एक पब्लिक सर्विस वैल्यूज, पब्लिक या सिविल सर्विस वैल्यूज, एंड प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, ठीक है। दे आर रिलेटेड टू योर गवर्नेंस पार्ट, थोड़ा आप यू कैन ईजिली रिलेट दम कि उसमें जो है काफ़ी हद तक सिमिलर है। लाइक मैं लेक्सिकन फॉलो करता था एथिक्स के लिए, उसमें सेवन्थ और एट्थ चैप्टर है जो पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड प्रॉबिटी इन गवर्नेंस है, तो उसमें काफ़ी कवर किया हुआ है ट्रांसपेरेंसी ई गवर्नेंस पे, थोड़े थोड़े ब्रीफली दिए हुए जस्ट टू गेट एन आइडिया, यू कैन फॉलो दैट। देन अगेन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में इसमें भी सिलेबस से रिलेट करो आर्टिकल्स को, न्यूज़ को, एग्जांपल्स, बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस में ऑल कई बार फ्रंट पेज पे जो लास्ट वाला सेक्शन है उसमें आता है कि ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के उसमें आते हैं इंफॉर्मेशन, यू कैन कंपाइल देम। देन गवर्नेंस पे कंपाइलेशन मैगजीन में एक सेक्शन गवर्नेंस का भी होता है जिसमें इंपॉर्टेंट जो जो अपडेट्स हुए उस एरिया में, दे कवर दैट। तो दिस, देन देर आर सम स्पेसिफिक टॉपिक्स, एनजीओज, एसएचजी, प्रेशर ग्रुप्स, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, आप जो है उसको खुद के नोट्स बना लो, दो तीन चार पेज के, दो तीन पेज आई थिंक इज सफिशियंट फॉर ईच टॉपिक्स। डेफिनेशन क्या है, ठीक है, रोल क्या है इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस में, इशूज क्या है, वे फॉरवर्ड्स क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, ठीक है, यू कैन राइट दैट, इश्यूज क्या है, रोल क्या है, स्कीम्स क्या है उनके लिए, जैसे एनजीओ के लिए दर्पण पोर्टल है, ठीक है, फॉरेन फंडिंग का इशू आ रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का इशू आ रहा है, ठीक है। इस टाइप के आपके खुद के नोट्स बना लो आप दो तीन पेज के, या तो आप कोई बुक रेफर करो जिसमें, और सिंपली जस्ट गूगल इट, इन टॉपिक्स की एक डेफिनेशन, ठीक है, सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, आपको एआरसी में भी मिलेगा इसमें रेफरेंस, ठीक है। उसके अपने दो पेज तीन पेज के नोट्स बना लो ईच टॉपिक के, ट्रस्ट में उसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। क्लास नोट्स देखो आपके क्लास में उन टॉपिक्स पे क्या लिखा रहे हैं, जस्ट उनको कंपाइल करके दो तीन पेज के बनाना है कि ये अलग वो अलग नहीं। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में एनजीओस के एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, कुछ वो बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो मिलेंगे आपको, ठीक है,
कोई भी रेलेवेंट स्कीम मिलेगी आपको जो उसको फिट बैठती हो, ठीक है, इस तरह की चीजें पिकअप करो और उसको अपने नोट में डाल लो, ठीक है। चेंज द स्लाइड, शुड आई? गवर्नेंस के बाद आता है सोशल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस आपके जीएस वन में भी है थोड़ा पार्ट, नॉट सोशल जस्टिस बट सोशल इश्यूज वाला पार्ट, तो जो सोसाइटी से आप इसको साथ में पढ़ सकते हो, उसको रिलेट करो, ठीक है। उसके साथ में हमको पढ़ना है सिलेबस, आपने देखा है, ठीक है, उसमें मोस्टली वेलफेयर इश्यूज हैं, हेल्थ, एजुकेशन स्पेसिफाई किए हुए हैं कुछ इश्यूज, वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है, उसको आप रिलेट करो जीएस वन के साथ। और इसमें करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है इसमें, ठीक है, करंट अफेयर्स में क्या क्या वल्नरेबल सेक्शंस हैं, क्या स्कीम्स आई हैं, क्या इश्यूज चल रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज क्या हो रही हैं, जो भी स्कीम्स हैं उसमें हम एक वे फॉरवर्ड कैसे तैयार कर सकते हैं, इस तरह की चीजें पिकअप करो आप न्यूज से। कंपाइलेशन मैगजीन्स में भी सोशल इश्यूज पे अलग से होता है एक सेक्शन, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है। इसमें से आप क्या है, नोट्स भी बना सकते हो, लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि फॉर एग्जांपल कोई एक वल्नरेबल सेक्शन ले लिया विमेन, ठीक है, उस पे आई यूज्ड टू मेक ऑनलाइन नोट्स फॉर दीज। तो उस पे क्या किया कि डेटा, ठीक है, डेटा क्या है विमेन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, एमएमआर, हेल्थ इंडिकेटर्स, इस तरह की चीजें जो है कंपाइल कर ली एक जगह पे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है विमेन से रिलेटेड, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, रिलीजन में क्या बोल रहा है, अभी केस हुआ था सबरीमाला वाला, उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में अफर्मेटिव एक्शन की कहाँ कहाँ बात की हुई है, ठीक है, डीपीएसपी, देन योर फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद में पंचायती राज, उसमें क्या प्रोविजन है, लोकल गवर्नमेंट में क्या प्रोविजन है, इस तरह की सारी चीजें जो है आप एक जगह पे कंपाइल कर लो। लॉज क्या क्या आए हैं अभी, पॉलिसीज क्या है, एक ड्राफ्ट वुमेन पॉलिसी है अभी, ठीक है, उसके बाद में स्कीम्स क्या है, वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स क्या क्या है, लक्ष्य फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया में वुमेन का स्पेसिफिक है कि, तो इस तरह से एक पर्टिकुलर सेक्शंस पे आप डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से एक ही जगह पे बना लो, सो दैट व्हेन यू राइट अबाउट दैट, आपको सपोज करो विमेन पे क्वेश्चन आ गया तो यू हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सारा आपका एक जगह आपको ध्यान में है कि ये इस वे में कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आई कैन राइट सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आई कैन राइट सम डेटा, आई कैन राइट सम स्कीम्स, सम लेजिस्लेटिव एक्शंस, ठीक है, पॉलिसी एक्शंस, तो प्रिपेयर हो जाएगा आपका एक टॉपिक। इसी तरह से आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, ओल्ड एज पर्संस, चिल्ड्रन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब पे जो है आप यू कैन मेक एक एक पेज का नोट, सारे डाइवर्स जो उनके एस्पेक्ट्स हैं, एरियाज हैं, उनको कवर करते हुए, ठीक है। फिर है नीति आयोग में स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया में भी सिलेक्टेड एरियाज आपको करने हैं जो आपके इससे रिलेट करते होंगे सोशल जस्टिस वाले एरिया से, पर्टिकुलर हेल्थ पे एक चैप्टर है, एजुकेशन, इस तरह से आप फाइंड आउट करो कि उसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं जो आपके रिलेट हो जाएंगे, उसको आप जो है नोट डाउन करो, कंसाइज करो और गो फॉर अ समरी, ठीक है, एज योर टाइम परमिट्स, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक सर्वे में सेलेक्टेड चैप्टर्स ओनली जो आपके सोशल जस्टिस से रिलेट करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स बढ़िया आते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे सन मेटा प्रेफरेंस आया था, वी कैन रिलेट इट विथ वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन के टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन का एक एक कुछ चैप्टर्स आते हैं विच यू कैन आप यहाँ से ले सकते हो उसको, ठीक है। फिर देन यू कम टू बजट, बजट में एवरी ईयर वी कम अप विद रेलिवेंट स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस टू अपलिफ्ट द वल्नरेबल सेक्शंस, देयर सम स्कीम्स, समटाइम दो स्कीम्स आर डायरेक्टली आस्क्ड, सीधा पूछ लिया उन्होंने कि ये आप बताओ क्या है, एक्सप्लेन करो स्कीम को, एक्सप्लेन करो एंड हाउ इट वर्क्स, और यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि अगर नहीं भी आया यू कैन कोट दैट स्कीम इन योर आंसर, ठीक है, आप रेफरेंस दे सकते हो उस पर्टिकुलर स्कीम का कि आपके आंसर्स में कि ये बजट में इस बार हमने विमेन के लिए ये किया है, ठीक है। एक
website hai Vikaspedia. Have you heard about it? Vikaspedia is a website jahan pe aapko sectional har cheez mil jayegi. Well, kaafi cheeze mil jayengi usme. Like health pe aapko data thoda mil jayega, relevant schemes mil jayengi, vulnerable sections pe aapko child pe, women pe, unhone kaafi cheeze compile kar rakhi hai ek jagah par. ठीक है, हर पर्टिकुलर स्कीम में जाना नहीं है, अंदर नहीं देखना है, जस्ट मेक अ नोट कि ये स्कीम्स हैं. ठीक है, उसको आप नोट कर सकते हो, नोट बना सकते हो विकासपीडिया में. ठीक है, तो विकासपीडिया आप जाके देखना पूरा, जस्ट गेट एन ओवरव्यू कि आप वहां से क्या इनपुट्स ले सकते हो. ठीक है, उसको पूरा एनालिसिस करने वहां नहीं बैठना है. विकासपीडिया से जस्ट टेक रेलिवेंट डेटा इफ अवेलेबल, रेलिवेंट स्कीम्स, लेजिस्लेशन कुछ वो मेंशन करके रखते हैं कि ये इनैक्ट हुए हैं, उनके एनालिसिस में वहां पे नहीं जाना है. ठीक है, दिस योर सोशल जस्टिस पार्ट. नेक्स्ट इज आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन. अगेन दिस इज लाइक वेरी डायनेमिक, बहुत डायनेमिक है. क्वेश्चंस आर आल्सो कमिंग विच आर डायनेमिक इन नेचर, स्टैटिक बहुत कम आ रहा है और आ भी रहा है तो समहाउ यू शुड रिलेट इट विद द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या चल रहा है उससे रिलेट करना है. ठीक है, बहुत डायनेमिक है, करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रोल है इसमें. ठीक है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, जैसे मुझे इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन सर के आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगते थे. ठीक है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते हैं, उसमें एनालिसिस होता है, हाउ शुड यू थिंक अप ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस. एक अप्रोच आप डेवलप कर सकते हो, एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करो कि ये हमारा इस कंट्री के साथ रिलेशन इस डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड कर रहा है. ठीक है, एनालिसिस पार्ट पे ज्यादा जोर देना है और उस पार्ट को सब्सटैंशिएट करना है थ्रू जो हम उस कंट्री के साथ में डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट्स में जा रहे हैं. ठीक है, एग्रीमेंट्स में जा रहे हैं, हमारा ट्रेड रिलेशन कैसे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो कंट्री हमको अदर प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल यूएनएससी परमानेंट सीट के लिए कितना सपोर्ट कर रहा है, वेदर द पर्टिकुलर कंट्री हमारे टेररिज्म के जो डेफिनेशन है या हमारे टेररिज्म के लिए हम जिन कंट्रीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं उनको आइसोलेट करने में कितना सपोर्ट कर रहा है. तो एक डायरेक्शन मिलता है हमारी रिलेशनशिप उस कंट्री के साथ कैसे जा रही है. ठीक है, इसमें आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में वो फोकस करना है. ठीक है, यू कैन मेक ब्रीफ नोट्स, बहुत छोटे छोटे नोट्स बना लो उसके, 1-1-2-2 वर्ड्स के एक एक पॉइंट कवर करके. देन ऑल्सो कंपाइलेशन मैगजीन्स, स्पेशली जो ईयरली कंपाइलेशन होता है, बिकॉज आईआर इज ए लाइक ऑन गोइंग प्रोसेस, चल रहा है वो. ठीक है, तो एक साल का यू विल गेट सम आइडिया कि एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ में कैसे रिलेशन मूव फॉरवर्ड हुआ है हमारा. यहाँ पे आई विल रेकमेंड कि आप पास्ट ईयर का कोई भी एक ईयर का कंपाइलेशन ले लो, फुल ईयर का. ठीक है, आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है. पर्टिकुलर इश्यूज में नहीं जाना है, ट्राई टू थिंक कि एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ में बैकग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन पे आप देखो कि उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में कैसे जो है पूरे साल में हमारा कैसा रहा है अप्रोच. उसमें हिस्टोरिकल थोड़ा बैकग्राउंड भी दिया रहता है, ट्रेड रिलेशन का आपका ट्रेंड भी दिया रहता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट जो हमने कहते हैं उसको माइलस्टोन्स हैं रिलेशन के जो हमने कवर किए हैं पर्टिकुलर कंट्री के साथ, वो दिया रहता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया और यूएसए का देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कि थोड़े से उसमें दिए हुए बैकग्राउंड कि पहले हमारा रिलेशन कैसा था नैम के टाइम पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे, देन अभी के टाइम पे कैसा है, कि थोड़े माइलस्टोन्स, सिविल न्यूक्लियर डील, ठीक है, कोमकासा, लिमोवा, ठीक है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट. ठीक है, उसके बाद में ट्रेड सैंक्शंस में कैसे कर रहे हैं. ठीक है, काटसा के अंदर में जो जो कंट्रीज पे सैंक्शन किए हैं उसमें हमको कितना यूएसए एग्जेम्पशन दे रहा है, यूएसए ने जनरल सिस्टम प्रेफरेंस वाले में सब्सिडीज खत्म कर दिए हैं हमारे लिए. तो दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक बार जस्ट ओवरव्यू, पूरा डॉक्यूमेंट उसको नहीं, हाँ जी हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, आपको मिलेगा कब, एक साल के बाद. अभी ईयरली कंपाइलेशन, हाँ जी, हाँ, उसमें भी वही होगा ना, जो आज तक का है वो वही दे पाएंगे. ठीक है, आपको मोस्टली क्या होता है कि कंपाइलेशंस आर अवेलेबल अराउंड करीब 1-2 महीने पहले एग्जाम के, वो मिलते हैं. ठीक है, आपके रेलेवेंट जब आप एग्जाम दोगे 1-2 महीने पहले यू विल गेट पूरे साल का. बट आपको ये मैं बता रहा हूँ टू इनिशिएट योर स्टडी प्रिपरेशन,
कि आप जब अभी से पढ़ना शुरू करोगे इंडिया यूएसए रिलेशन फॉर एग्जाम्पल, तो आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। कंपाइलेशन वाला पूरा नहीं पढ़ना है, क्लास को भी फॉलो करना है बिल्कुल, अगर क्लास में बैकग्राउंड दे रहे हैं तो यू कैन स्किप इट, ठीक है। दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास, मैंने बोला कि क्लास को हटा के, इफ अगर क्लास में आपको बैकग्राउंड दिया जा रहा है पर्टिकुलर कि हमारा रिलेशन कैसे मूव फॉरवर्ड कर रहा है, इंडिया एंड आईआर का क्या अप्रोच रहा है, यू कैन स्किप इट, ठीक है। ये है अगर आप स्टैंड अलोन प्रिपरेशन करना चाहते हो एंड यू नीड टू गेट सम बैकग्राउंड आइडिया कि कैसे हुआ है सारी चीजें, कैसे मूव फॉरवर्ड करी है, यू कैन डू इट। और उसमें भी मैं बता रहा हूँ पूरा नहीं पढ़ना होता, ठीक है। पूरा आपको अभी अभी जो चल रहा है वो रेलेवेंट पढ़ना है, ठीक है। बैकग्राउंड प्रिपेयर करने से क्या बेनिफिट है, यू गेट इंटरेस्टेड इन टू द अफेयर्स, अदरवाइज हो सकता है यू माइट लूज इंटरेस्ट की, ठीक है चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर हैव विजिटेड यूएसए, ठीक है गए होंगे, आप अपडेट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते कि किस डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड किया, कहाँ पे मीटिंग्स हुई, किन किन एरियाज में, डिफेंस पे हम ज्यादा बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एरियाज में हम ज्यादा बात कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। यू माइट लूज इंटरेस्ट, ठीक है, तो एक बैकग्राउंड होने से। और इसमें एक और दो चीजें हैं जो और आपको हेल्प करती हैं, वो है एक एमईए की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे छोटे छोटे एक एक पेज के कंट्री वाइज पीडीएफ आपको मिलेंगे, उसमें एक थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या थोड़ा आपका ओवरव्यू ऑफ द रिलेशन दिया हुआ है एमईए की वेबसाइट पे, ठीक है। आप उसको पढ़ सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपके पास टाइम है यू कैन रीड इट। अगर आपका बैकग्राउंड क्लियर है इससे पहले से या बुक से या किसी चीज से आपका बैकग्राउंड क्लियर है तो डोंट गो फॉर इट आप कंटेम्प्रेरी इशू पे, बट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड कि कैसे ओवरऑल रिलेशन हमारा हुआ है तो रेफर टू दिस। नहीं नहीं यू सर्च इट, ठीक है, आप देखिए वहां पे पीडीएफ है इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ साथ में हमारे कैसे रिलेशंस है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट को यू कैन जस्ट गो थ्रू, पढ़ना नहीं है इतना, आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू मटीरियल टू रीड, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, वेरी लिमिटेड, ताकि रिविजन में आसानी हो। हमने पहले भी डिस्कस किया कि वी नीड टू कीप आवर सोर्सेज लिमिटेड जस्ट टू गेट रेफरेंस, ठीक है। इसको पढ़ के आप छोड़ दो, जस्ट एक आइडिया लग गया आपको रिलेशन कैसे बनाए, छोड़ दो। स्टैटिक एक पोस्ट जीएस वन में हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस पे आप बस इस एंगल से ध्यान देना कि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, बेसिक आइडिया की इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस, कि कैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, न्यूक्लियर हमने जब एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद में क्या रिलेशन बना है, पोस्ट लिबरलाइजेशन हमारे कैसे रिलेशंस हैं, ठीक है। आई थिंक पोस्ट लिबरलाइजेशन तो बहुत कम मिलेगा बिकॉज अपडेशन इश्यूज आर देयर, बट स्टिल यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया फ्रॉम पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू हिस्ट्री, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ में हमारा कैसा रिलेशन हुआ है, इंडिया हाउ इंडिया जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके उसका कैसे चैंपियन बन के सामने आया है, कैसे उसने हेल्प किया है अफ्रीका के डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस में, कैसे कोरियन वॉर में एड भेजी थी, मेडिकल एड भेजी थी इंडिया ने, ठीक है। सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जस्ट टू गेट क्लैरिटी ऑफ आइडिया। ये कोई जीएस टू के लिए आईआर के लिए स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है, दिस इज जस्ट टू गेट यू इंटरेस्टेड इन टू आईआर, क्योंकि आईआर में व्हाट आई हैव फेल्ट कि इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड, जब आप बहुत इंटरेस्ट होंगे तो नेचुरली यू विल पिक अप द पॉइंट्स, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा योर आंसर विल बी वेरी नेचुरल, ठीक है। तो आईआर का आई विल सजेस्ट कि एक बार जब आप वर्ल्ड वॉर टू की हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू की हिस्ट्री, तो आप बैक ऑफ द माइंड में रखना कि हम कंटेम्प्रेरी टाइम में इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे रिसोर्सेज हैं। हाँ जी जी, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यू विल रीड इट, ठीक है, तो इससे आपका जो है बेसिक आइडिया बहुत क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है कि पर्टिकुलर ये पढ़ें ना पढ़ें, ऐसे करें, नोट्स बनाएं कैसे बनाएं, यू कैन आस्क। GS2? I doubt. Mm-hmm. Mm-hmm.
you are saying that compiling notes is very difficult. That is what you are saying, right? Crux of the question is this, that note compilation, notes making is very difficult process. The reason I chose online, because I used to make offline notes first. So it was very getting very bulkier. It was very difficult to add pages. So what I did, although I have not never prepared notes on the polity part, you are specifically asking about the local governance. As an example, you are asking, okay. I have not prepared notes on polity part, but like I have explained on the vulnerable sections, I have prepared the notes because it was very easy to compile the data and compare the interrelationship at one. Like for example, you are reading about women, constitutional provisions, okay, in polity part. In the society part, you need to know the schemes, okay. You need the schemes and the steps with the central government and state government is taking for the upliftment of women. And you need to relate it with the constitutional provisions, DPSP, fundamental rights. And this is possible when you have a page where you have written constitutional provisions, legal aspects, or legislative measures, or the schemes which you have taken. Now you are saying it is very difficult. Okay. So when you will make notes online, what you can do is, for example, today you are reading newspaper, any particular topic comes, okay, because constitution part is static. You can mention that these five are the provisions, 10, 5, 8 provisions are there. Then you immediately below that you can write the schemes. Today you are reading, you came across one scheme. For example, Lakshya, you came across, you wrote Lakshya, okay, for hospital expenses or delivery, okay, child care, you can mention there, okay, in one. Then again, next day you are reading and you come across two more schemes. You can immediately add below that. You can open your OneNote. I follow OneNote. You can open the OneNote and write that. Okay. For local exam governance, I give you example that static portion is given in Lakshmikant. If you want to make notes, you just mention the bullet points in your notes, right? And any step is taken by government. For example, Ministry of Women and Child Development. इन्होंने क्या किया था कि they women legislator at the local governance, they called them and conducted a workshop. Okay, you can write that example below that. Just keep adding. Contemporary relevant issue, you just keep adding. Static portion is already mentioned in the books. Keep जब भी आप किताब पढ़ रहे हो, आपने वो खोला, आपका PDF या आपका laptop आपके पास है, आप उसको खोलो and just relate it. ये मैंने 10 example किया, I came across through them. ये suggestions थे. ये ARC ने ये 5 पॉइंट बोले हैं, पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है अपने नोट्स में, जस्ट कीवर्ड्स, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? एनीथिंग एल्स? क्लियर है? कोई और? हाँ, वील कम टू दैट. जब व्हेन यू रीड लक्ष्मीकांत, तो एक्चुअली आई प्लान टू शो यू द सिलेबस, और मैंने जिस हिसाब से डिवाइड किया था, तो आई वुड बी बेटर एबल टू टेल यू, बट लेट मी टेल यू दिस. लाइक इफ यू सी द सिलेबस, ठीक है, पहले फर्स्ट मैंने 20 पार्ट्स में यू कैन डिवाइड द सिलेबस, ठीक है. चार उसमें एरियाज हैं जो हमारे मेन एरियाज हैं. दिस आर द फोर एरियाज, ठीक है. इसमें सब पार्ट्स मिला के टोटल 20 एरियाज हैं, 20 पार्ट्स हैं, ठीक है. उसको आप तोड़ो, ठीक है. आप लाइक फॉर एग्जांपल, आप पहला, मैं यहां से आपको देख के बता देता हूं. लाइक आप फर्स्ट जब आप देखोगे, तो पहला सिलेबस का लाइन जो कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल हैपनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है. तो मैंने क्या किया, इस लाइन के नीचे लिख दिया कि क्या क्या ये कह रहा है, मुझे क्या क्या पढ़ना है. मुझे पढ़ना है हिस्टोरिकल हैपनिंग्स, मुझे पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे पढ़ना है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे पढ़ना है अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे पढ़ना है सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड मुझे फिर पढ़ना है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. मैं ये क्लियर हूँ कि मुझे ये चीजें पढ़नी है. नाउ आप देखोगे लक्ष्मीकांत में दीज ऑल 6 टॉपिक्स आर कवर्ड. हिस्टोरिकल हैपनिंग्स का चैप्टर है एक, ठीक है, उसमें बताया हुआ है कि कैसे, कहां से हमने इवॉल्व करना शुरू किया है,
ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से लेकर के 1935 का एक्ट 47 का, उसके बाद में कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हिस्टोरिकल हैपनिंग्स. उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ चैप्टर. फिर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, चैप्टर्स हैं. उसके बाद में अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आप लक्ष्मीकांत के बैक पिछले साइड के पेजेस में जाओगे तो यू विल सी सम शेड्यूल्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो है इंपॉर्टेंट, एक तरह से बहुत सारे अमेंडमेंट, सारे ही अमेंडमेंट्स के बेसिक एक ब्रीफ आपको दिया हुआ है उसमें, ठीक है. उसमें ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जिसको आप बार बार पढ़ोगे, और जहां भी अमेंडमेंट का रेफरेंस आ रहा है हाईलाइटेड की रिविजन के टाइम पे यू शुड फोकस कि क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ, ठीक है. 42nd अमेंडमेंट को निगेट किस अमेंडमेंट से किया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, कि राइट टू एजुकेशन जो है वो कौन से अमेंडमेंट से आया. कैन समबडी टेल मी? वेरी गुड, करेक्ट, 86 से आया, ठीक है. कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नहीं नहीं 43 ये नहीं है, नहीं आर्टिकल नहीं, वो नहीं है, वो 43 एज आई थिंक वो है ना. वेरी गुड, सी वेल, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू फोकस कि कैसे मेजर अमेंडमेंट्स क्या क्या है. 91st अमेंडमेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, ठीक है, उसमें आप आइडेंटिफाई कर लो, दिए हुए आपने देखा होगा पीछे शेड्यूल है उसमें दिया हुआ है, यू कैन आइडेंटिफाई कि वहां पे क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ लो, ठीक है. आप रिविजन जब करोगे आई वुड सजेस्ट कि उससे एक बार ग्लांस ले लो, उससे यू विल गेट सम आइडिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे कैसे हुआ है, द फ्लो वाइज है दिया हुआ पूरा, ठीक है. उसके बाद सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस में आई विल टेल यू कि कुछ प्रोविजंस तो जैसे आपको याद होने चाहिए कि आर्टिकल कौन सा, इट इज वेरी नेसेसरी टू कोट देम. फंडामेंटल राइट्स यू शुड नो कहाँ से कहाँ तक है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज यू शुड नो, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल है यू शुड नो, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस कौन सा रेलेवेंट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल है, हाई कोर्ट आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ठीक है, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123, 213, ठीक है. दीज आर वेरी बेसिक, मतलब दीज यू मस्ट नो. बाकी अदर भी हैं इसमें, बहुत बेसिक बेसिक आर्टिकल्स हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ठीक है, और कैसे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस रेफर कर सकता है टू गेट एन ओपिनियन, ठीक है. अटॉर्नी जनरल इस बार आया भी था 2019 में, अटॉर्नी जनरल, ठीक है. दीज आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये विथ रिविजन आएंगे आपको. वेन यू विल रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स यू विल गेट टू नो कि पहले में नहीं आ रहे, डोंट टेक स्ट्रेस मच कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया कि मुझे आर्टिकल याद ही नहीं हो रहा, इनको तो याद है मुझे नहीं याद है, फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक स्ट्रेस. ये विथ प्रैक्टिस है ना, जब कहीं पे आंसर राइटिंग करोगे, नहीं लिखोगे और आप आंसर में देखोगे तो आप इनकॉर्पोरेट करो, बट बैक ऑफ द माइंड में आपको आइडिया होना चाहिए कि मुझे ये याद करना है, रखना है, मुझे ये आंसर्स में रेप्लिकेट करना है, बताना है कि आई नो दिस. तो आर्टिकल्स यू शुड नो, नो नो नो, बेयर एक्ट नहीं देखना है, लेट मी टेल यू. लक्ष्मीकांत के आप जो चैप्टर पढ़ोगे, एंड ऑफ द चैप्टर एक टेबल होती है, ठीक है, एंड ऑफ द चैप्टर एक टेबल होती है, उसमें मेंशनड होता है ये आर्टिकल इस चीज के लिए है, ये आर्टिकल इस चीज के लिए है. फॉलो दैट, इंपॉर्टेंट ही हमें ध्यान में रखना है, और विद टाइम यू विल यू कैन आइडेंटिफाई कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है. मनी बिल इंपॉर्टेंट है, 110 याद होना चाहिए, ठीक है. शेड्यूल्स, देन वी कम टू द शेड्यूल्स. शेड्यूल्स आर वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके आंसर में वो दिखता है तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है कि यू नो. और कुछ तो शेड्यूल बहुत बेसिक हैं जो आपको पता होनी चाहिए, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 10, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी न्यूज में भी रहता है, आ जाता है, ठीक है. कई बार अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज कोई पॉलिटी रिलेटेड या इनफैक्ट अदर इश्यूज ऑल्सो, बहुत इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन्ड पेज आता है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से वो पूरा पूरा वो अच्छे से इशू को कवर कर लेते हैं, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं कि बैकग्राउंड क्या था, कब किस अमेंडमेंट से आया, ठीक है, अभी तक कितनी बार यूज हुआ है, क्या कॉन्ट्रोवर्सी है, ठीक है. देन वी कम टू केस लॉज. अगेन केस लॉज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. केस लॉज पे कई बार आपका
स्पेशली यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूनल्स पे उन्होंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था 2018 में, ठीक है, उसमें जस्ट आपको एल चंद्र कुमार केस अगर पता होता, ठीक है, आपसे आंसर काफी हद तक अच्छा बन जाता, ठीक है। इस बार भी उन्होंने कैट पे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसमें भी देन अगेन एल चंद्र कुमार केस एप्लीकेबल है। एक बेसिक स्ट्रक्चर का एक चैप्टर है, ठीक है, लक्ष्मीकांत में एक टेबल बना करके काफी केस लॉज दिए हुए हैं कि उससे क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर निकले हैं, रीड दैट टेबल, दोस केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन यूपीएससी ने केसेस पे पूछा है, कोहेलो केस क्या है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बनती है, फॉर एग्जाम्पल बेसिक स्ट्रक्चर की, ठीक है, वो केसेस के थ्रू बनती है, ठीक है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन में मेनी थिंग्स आर नॉट डिफाइंड, दे इवॉल्व, ठीक है, कैसे इवॉल्व हुए, थ्रू केसेस, केसेस के थ्रू इवॉल्व हुए। व्हेन यू डेवलप दिस अंडरस्टैंडिंग की हाउ द दिस पर्टिकुलर प्रोविजन और दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व, ठीक है, तो आप पढ़ते हो कि पहले केस हुआ था, ठीक है। कैन यू टेल मी कि कैसे, थोड़ा टाइमलाइन है, कैन यू प्लीज। शंकरी प्रसाद केस, ठीक है, शंकरी प्रसाद केस से शुरू करते हैं, गोलकनाथ, वेरी गुड, देन वी कम टू द केशवानंद भारती केस, उसके बाद और एक एक्सटेंड करते हैं मिनर्वा केस तक, ठीक है, वमन राव केस भी वी कैन इनकॉर्पोरेट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शो द एग्जामिनर दैट कि आपका नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग है, यू नो हाउ दिस थिंग इवॉल्व। सिमिलरली जो अपना कॉलेजियम सिस्टम है, ठीक है, दैट ऑल्सो इवॉल्व थ्रू द केसेस, फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, then we come to the NJAC case, ठीक है, just to show your that आपका superficial knowledge नहीं है, you know it, how you know it, you studied the cases, पूरा नहीं, you know the cases through which क्या कैसे आया है, ordinance पे you have case laws, ठीक है, then article 356 you have case laws, ठीक है, can you tell me, very SR Bhoomi case, very basic case, ठीक है, और भी आप लिख सकते हो इफ यू वांट टू, बट ये बहुत बेसिक केसेस हैं जिसके थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ डॉक्ट्रिन हुए डेवलप, कुछ पर्टिकुलर चीजें सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश की, ठीक है। तो इन केस लॉज आप वो बेसिक स्ट्रक्चर का चैप्टर देखना, उसके पीछे दिया हुआ है बहुत अच्छे से बना के, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारा वहां पे दिया हुआ है, जस्ट अपना डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है वहां पे, जब भी आप बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो आप रिलेट कर पाओ, ठीक है, एंड इसका आंसर राइटिंग में बहुत रेलेवेंस है, ठीक है। आप जब आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, इफ पॉसिबल पार्ट, ठीक है, केसेस, ये जब आप अपने आंसर में दिखते हो ना, तो इट गिव्स अ इम्प्रेशन दैट यू नो थिंग्स। आप जब एक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो, लेट मी कम टू यू, आप जस्ट एक कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो, यू नो इट वेरी वेल एंड यू आर सब्सटैंशिएटिंग इट, ठीक है। तो ये यस सॉरी रिमेम्बर देयर इज नो, ऐसा कोई लिस्ट नहीं है, ठीक है, कि इतने आर्टिकल आपको याद करने चाहिए। बेसिक होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मली, जैसे आपने फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ठीक है, फंड, सॉरी, नो नो नो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना, नो नो, 100 और 150 का नहीं है, यू गो बाय द इशू, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर वही है ना, यूनियन का जो है उसका कांड, फॉर एग्जांपल कि ऑर्डिनेंस पे अगर बात करें तो सेंट जो यूनियन गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस है इज 123, स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस पे जाते हो तो इट इज 213, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आगे से हमने 10 करने हैं, 100 करने हैं, 20 करने हैं, ये नहीं है। आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है, आपको लग रहा है कि ये बहुत रिकरिंग टॉपिक है, कैग बहुत रिकरिंग टॉपिक है, तो याद कर लो आर्टिकल 148 टू 152, ठीक है। तो ये आप क्या करो कि इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी व्हेन यू विल सी द पास्ट ईयर पेपर्स, तो आप देखोगे ये चीजें पूछ रहे हैं, ठीक है। कई बार हमें कंपाइल करना पड़ता है आर्टिकल्स को, फॉर एग्जांपल इस बार एक क्वेश्चन आया था सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस पे, ठीक है, तो उसमें यू नीड टू कंपाइल, मतलब आपको आना चाहिए कि ये पोर्शन से जो है कैसे हम आर्टिकल 50 लिखना है, आर्टिकल 212, ठीक है। इस तरह से आपको आर्टिकल्स जो है कंपाइल करने पड़ेंगे बहुत जगह पे, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का आपका अमेंडमेंट है, देन आर्टिकल एक आपका
chapter mein particular part mein hai, then you come to the DPS, then you come to the DPSP wahan pe hai, then you come to the fundamental rights wahan pe hai, theek hai? To ek aap relate kar paoge ki, aur ab jab wo chapter padhoge na Lakshmikant ka, to wahan pe diya hua hai, I think compile karke ek jagah diya hua hai relevant articles, theek hai? Supreme Court ka jab aap chapter padhoge to article 32 bhi diya hua hai, theek hai? Article aapka fir aage diya hua hai, 141 diya hua hai, 136 diya hua hai, theek hai? Ek basic understanding dekho, agar bahut jo bahut hi difficult type ke articles hain ya bahut aapko lag raha hai ki you will not be able to remember it, stress mat lo, basic pe focus karo, fundamental rights, fundamental duties, DPSPs, these are basic things, theek hai? State kaise banta hai, article 1 mein kya hai, basic hai, this is very basic articles, is pe focus karo, then you gradually upar jao, article apni understanding ko aap develop karo, gradually move forward karo, theek hai? But I would recommend you should know the articles. Aapko bahut difficulty ho rahi hai articles remember karne mein, ek chart bana lo, theek hai? Jahan pe padhte ho wahan pe chipka do usko, theek hai? Ki aisi nazar dusri cheez pad rahe, nazar 5 minute ke liye idhar udhar hui to maine dekh liya ki ha ye 10 article mere ko remember ho gaye, theek hai? So you can do this, but don't do this ki pehle 100 kar liye, wo kar liye. Is acha ki organic aane do ye, with concept article ka reference aane do khud mein, theek hai? With, aap revise karoge, aapne jab jab revise karoge aap, to wo naturally aata jayega, theek hai? Haan ji. No, no, no. Inka question hai ki hame clauses bhi dekhne hai kya? I think ki reading articles ya understanding articles is sufficient, unless bahut compelling clause ho koi. I would not recommend itna zyada focus karne ka, theek hai? Article ka preference to kaam ho jayega. मतलब क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली कम आते हैं कि आर्टिकल 14 का क्लॉज 4 आप बता दो, है ना? राइट राइट राइट, डायरेक्टली यू कैन नॉट रिकॉल की ओके, लाइक व्हेन यू रीड लक्ष्मीकांत यू नो व्हाट 4 सेज, बट व्हेन द क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क यू, यू विल नॉट एबल टू रिकॉल इट, ठीक है? कि व्हाट आर्टिकल 14 से, इसमें मेरा यही है, हैव यू पास के पेपर्स देखें, प्रीलिम्स के हिसाब से आप ज्यादा बोल रहे हो ना ये, क्योंकि ऑप्शन तो प्रीलिम्स में ही होंगे, तो आप पास के पेपर्स देखो, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें डायरेक्टली ऐसा कुछ पूछा है. आर्टिकल 21 ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बट उसका सब क्लॉज क्या है 14 ए का, 14 बहुत आ... These kind of questions are asked, but आपने पहले जो बोला था ना कि 14(4) क्या कहता है, वो directly वो नहीं पूछते हैं. ये आपका basic understanding ये तो होना चाहिए कि article 13 क्या बोलता है, ठीक है? Article 13 क्या बोलता है, वहाँ से कैसे judicial review का power infer किया है Supreme Court ने, ठीक है? Article 13 क्या बोलता है, 14 क्या बोलता है, 14 हमेशा आपके right to equality की बात करेगा, ठीक है? 13 वो बात नहीं करेगा, इतना तो difference आपको पता होना चाहिए. अगर इतना भी डिफरेंस पता है, आई थिंक तब आप बना लोगे वो क्वेश्चन, ठीक है? तब आपका वो नहीं होगा. आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स आप देख लो कि कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है? उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ये आप ब्रेक डाउन कर लो, इनमें देख लो आप ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है आपका, ठीक है? इससे आप क्लियर हो जाएगा कि 13 अगर हमारे उस डिविजन में नहीं आता है तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है? अरे नहीं सर कहाँ, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आईपीसी के आप सारे सेक्शन या वो करो. हाँ, जो आपका अभी इसमें आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, पिकअप दोज, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट. सेडिशन आपने एग्जांपल दिया, सेडिशन का, ठीक है? डाउरी, ठीक है? डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है? ये जो बहुत न्यूज में आ रहे हैं ना, यू उसके उसको आप नोट में लिख लो, ठीक है? ठीक है, अदरवाइज अगर आपको नहीं आ रहा है ये, तो यू कैन गिव रेफरेंस के आईपीसी ये बोलता है,
ठीक है, आईपीसी ने ये बोला है, रेलेवेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी से, दिस इज अगर आपको नहीं आ रहा है तो, बट अगर आपको आ रहा है तो जो मेजर मेजर इश्यूज जो चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आईपीसी आपने उठा लिया और एक बार ग्लांस थ्रू कर रहे हो कि क्या क्या है. नो, डोंट डू दैट. मतलब आई वुड नॉट रेकमेंड टू लाइक आईपीसी आप स्पेशली इसके लिए खोलो. आई वुड रेकमेंड कि आप न्यूज़पेपर से पिकअप करो. ठीक है, जो प्रोमिनेंट इश्यूज चल रहे हैं पिकअप फ्रॉम देयर ओनली. डोंट गो टू आईपीसी, ऐसे बेयर एक्ट मत जाओ. ठीक है, देन ऐसे ही मैं इस पे सोशल जस्टिस वाले टॉपिक पे आता हूं. ठीक है, उसमें जैसे 12 नंबर पे दिया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ है एक. ठीक है, मैं अगर उसको पढूं तो वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स मैकेनिज्म्स लॉ इंस्टीट्यूशन बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन. ये पूरा एक पैराग्राफ है दिया हुआ, इसको तोड़िए आप. ठीक है, इसको तोड़िए सेक्शंस में टू गेट क्लैरिटी कि आपको पढ़ना क्या है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तोड़ा है उसको, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन बाय सेंटर बाय स्टेट. ठीक है, फिर इन दोनों ने जो जो स्कीम्स की हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनके लिए मैकेनिज्म्स क्या क्या किए हैं और उसके लिए लॉज क्या बनाया है. ठीक है, एक पार्ट में मैंने इसको तोड़ दिया. ठीक है, सेंटर एंड स्टेट. तो सेंटर यू हैव टू रीड मेजर स्कीम्स जो जो आ रही हैं सेंटर का सारा. स्टेट में डोंट गो कि सारा ही स्टेट का आप पढ़े जा रहे हो. डोंट गो, प्रोमिनेंट होता है. ठीक है, प्रोमिनेंट स्कीम्स होती हैं, बहुत बढ़िया स्कीम्स जिसके हम रेफरेंस लेके इवन सेंट्रल लॉज भी बने हैं. ठीक है, कुदुम्बश्री, ठीक है, जीविका, है ना, स्टेट इनिशिएटिव्स से उसको हमने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में इनकॉर्पोरेट किया. उसी तरह से फार्मर्स के बेनिफिट के लिए ओडिशा का लिया, रेडी, तेलंगाना रायतु बंधु. ठीक है, कितना नेचुरली आ रहा है. ठीक है, अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है. प्रोमिनेंट जो होगा उसको आप नोट डाउन कर लो कि उनके मैकेनिज्म्स क्या क्या थे, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, इश्यूज क्या है, रायतु बंधु के क्या इश्यूज हैं, कालिया के क्या इश्यूज हैं, और अभी जो हमने किसान लेके आए हैं पीएम किसान, उसमें कैसे क्या कॉम्पैटिबिलिटी बन रही है दोनों की, क्या उसने छोड़ा है इस स्कीम ने, उसको इनकॉर्पोरेट किया है, इसने इग्नोर किया है, इसने इनकॉर्पोरेट किया, जस्ट कंपैरिजन के लिए. इससे क्या होगा, जब फॉर एग्जांपल आप आता है आपको कि फार्मर्स वल्नरेबल सेक्शन है, उसके लिए क्या और बेटरमेंट हम इस स्कीम को कर सकते हैं, तो फीचर आ गया, अपने फीचर्स बता दिए, बेटरमेंट का आप क्लू ले लो कि रायतु बंधु में सर ये है, कल्या में नहीं है, इट कैन बी इम्प्रूव्ड. ठीक है, इस तरह से यू कैन कंपेयर. बट जो जो मेजर हैं स्टेट के, सिर्फ उसको देखना है. ठीक है, वो आपके इजिली न्यूज़पेपर्स में आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे वो बहुत प्रोमिनेंट आएगा आपको, अलग से ज़्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है. सेंटर पढ़नी है, मेजर स्कीम्स बजट वाली जनरल. ठीक है, जो भी स्कीम्स आ रही हैं यू हैव टू रीड इट. फिर इसमें है सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, इस पर्टिकुलर सिलेबस के जो पार्ट है उसका है बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन कंस्टिट्यूटेड फॉर प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस. ठीक है, व्हाट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस वी हैव एस्टैब्लिश्ड, ये यू कैन रिलेट इट विद द पॉलिटी पार्ट. उसमें भी काफी है, पीछे लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स दिए हुए सारे, है ना, नेशनल कमीशन एससी एसटी. ठीक है, देन स्टैट्यूटरी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. ठीक है, चाइल्ड के लिए है. ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट करें. और क्या है, विकास पीडिया पे आल्सो यू विल गेट सम रेफरेंसेस, क्या 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 बॉडीज हैं, जस्ट गेट एन ओवरव्यू कि उस बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, कौन अपॉइंट करता है, फंक्शंस क्या है, हाउ दैट बॉडी इज परफॉर्मिंग. ठीक है, कुछ रेलिवेंट अभी आसपास में कुछ हुआ है क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था अभी हाल फिलहाल में एक बॉडी के लिए, टेल मी, वो भी आया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल आया था, वो आप बोल रहे हो लेजिस्लेटिव, मतलब हाँ जी, यस, एनसीबीसी, है ना, आप बोल रहे हो वो भी सही है, इट्स वेरी रीसेंट, एनएचआरसी पे अमेंडमेंट्स हुए हैं, इट्स वेरी रीसेंट, यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आइडेंटिफाई करना है. अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू शो दिस ऑन हियर. हाँ जी, स्कीम्स, परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम, परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम तो कुछ तो आपके आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इतने टाइम हो गया
बहुत बार आप देखोगे बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं, एक्सप्लेन्ड में आता है कि हमने इतनी सड़कें बना दी इसमें, ठीक है, इतना काम हो गया है, यहाँ पे लैग कर रहा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इनकॉर्पोरेट करते चले, ठीक है, करंट अफेयर्स से इनकॉर्पोरेट करते चले। और कोई स्कीम है जो बहुत बार आपको लग रहा है ये स्कीम बहुत न्यूज़ में आ रही है, तो आपको सर्च कर लें, गूगल कर लें, सिर्फ गूगल इट आउट, ठीक है, पूरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत ब्रीफ रेफरेंस कहीं दिया हुआ है। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ। एक तो उसके लिए फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द वल्नरेबल सेक्शंस, आप वो आइडेंटिफाई करते हैं, काम हो गया आपका, ठीक है। आइडेंटिफाई, एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, कि ये वल्नरेबल सेक्शन है, खुद से बना लीजिए, सर्च कर लीजिए कुछ बहुत ईजिली आप, विमेन, चाइल्ड, ओल्ड एज पर्सन, ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, दिव्यांगजन्स, ठीक है, माइग्रेंट्स, ठीक है, उसका कोई आई डोंट थिंक सो कोई स्पेसिफिक बॉडी नहीं है, ठीक है। पहले वो लिस्ट आउट कर लेंगे, इजी हो जाएगा, सारी बॉडीज हमने सारे वल्नरेबल सेक्शंस एक जगह पे लिस्ट आउट कर लिए, और देन फिर देख लिए कि अब वो जो मैंने आपको बताया था विमेन के लिए, वो आप करना शुरू करो डेटा, ठीक है। देन कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, देन लीगल, देन कम टू द स्कीम्स, बॉडीज, ठीक है, एक पेज में सारा कर लो आप, ठीक है। जब आप रिविजन करने लगेंगे इट विल बी वेरी इजी, ठीक है। आपको दिखा भी देता, बट वहां पे कोई हेल्प कर सकता है इसके लिए, ठीक है। एक और गवर्नेंस का एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, बहुत बड़ा सारा वो है, पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन मॉडल, सक्सेसेस, लिमिटेशन एंड पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर मेजर्स, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ है, इसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, वरना कन्फ्यूज रहेंगे इसमें पढ़ना क्या है। तो इसमें गवर्नेंस, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस मॉडल्स, ठीक है, सक्सेसेस, लिमिटेशंस, पूरा उसी पैराग्राफ में दिया हुआ है, आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, नोट्स क्या बनाने हैं, उसी बस यू नीड टू जस्ट ब्रेक डाउन दैट पैराग्राफ, ठीक है। कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा है, आपके क्लास नोट्स आर नॉट सफिशिएंट, गूगल कर लो, कोई भी टॉपिक आप गूगल करो, आ रहा है, ठीक है, ये देखो 15 नंबर पे ये बना, टोटल 20 है, ठीक है, उसको बहुत छोटा हो रहा है, नहीं ठीक है, ठीक है, ये टॉपिक है, इसको ऐसे डिवाइड कर लिया, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉलन सेमी कॉलन का डिफरेंस होता है इसमें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यह यहाँ तक है। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। उसके बाद ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, इस ई गवर्नेंस में क्या क्या पढ़ना है, मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, ये आप कर लो, आपका कोई भी आंसर आ जाए ई गवर्नेंस पे, आपका मटेरियल तैयार है, ठीक है। यू नीड टू जस्ट नो द सिलेबस, बाहर कहीं नहीं जाना है, ठीक है। सिटीजन चार्टर बहुत ओपन है, कुछ इसमें वो नहीं दिया हुआ, तो ये जस्ट सी द सिटीजन चार्टर डेफिनेशन एक बना लो, दो तीन लाइन के आप एक डेफिनेशन बना लो सिटीजन चार्टर क्या होता है, ठीक है, क्या कब से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सिटीजन चार्टर के फीचर्स क्या होते हैं, हाउ इट इज वर्किंग, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट स्टेप्स, सेवोत्तम मॉडल वगैरह, सेकेंड ARC में रेफरेंसेस दिए हुए, वहां से आप पूरा बना लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कंटेम्प्रेरी आप ऑब्वियसली न्यूज़पेपर से तो रिलेट करते हुए चलना है, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, कुछ भी पढ़ रहे हो, बैक ऑफ द माइंड आप सिटीजन चार्टर रखो और देखो अगर कुछ आया है इमिडिएटली नोट इट डाउन, ठीक है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर मेजर्स फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, अदर मेजर्स में क्या क्या आ गए, स्टेटूटरी, एग्जीक्यूटिव, कोई भी मेजर लिया टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इस ई गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को रिलेट करो, सीपी ग्राम्स,
अभी आया था ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए अभी एक आया, फिर से रिलेट करो इन दोनों को। प्रगति, प्रगति इज अ पोर्टल जो बनाया है प्रो, देखने के लिए कि कैसे कैसे इंप्लीमेंटेशन स्कीम्स का क्या हो रहा है, डायरेक्ट मॉनिटरिंग है, अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करती है वो। तो इस तरह से यू इंटर रिलेट दोज, ठीक है, एक में दिया हुआ इजिली इंटर रिलेट हो जाएगा, इससे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर मेजर्स भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल देखो कि क्या बॉडीज है, कैसे इंटर रिलेट हो रहा है वो, फाइंड आउट द कंटेंट आराम से मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अब रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये पूरा यही एक ही लाइन दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, पूरा छोड़ा है, तो थोड़ा देखो बेसिक कैसे इवॉल्व हुआ, क्या रोल है, रेलेवेंट प्रोविजंस क्या है, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, देयर इज अ चैप्टर, ठीक है, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, जो मैंने आपको एथिक्स का रेफरेंस दिया था उसमें लेक्सिकन में भी थोड़ी सी दी हुई है सिविल सर्विसेज का, ठीक है, ये सारे कंपाइल कर लो एक जगह छोटे छोटे इन चैप्टर्स को, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को, ठीक है। बाकी पॉलिटी का तो आई गेस स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है सारा सिलेबस, इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू नीड जस्ट टू उसको तोड़ के आप देख लो, एंड लक्ष्मीकांत कवर्स इट वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से लक्ष्मीकांत कवर हो जाएगा, जैसे मैंने हिस्टोरिकल हैपनिंग इवोल्यूशन फीचर्स अमेंडमेंट सिग्नेचर प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, ये जो आपका है इसको आप डिवाइड कर लो, सिमिलरली सेकेंड को मैंने डिवाइड कर लिया, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शन है लक्ष्मीकांत, स्टेट की फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लक्ष्मीकांत, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर इशूज एंड चैलेंजेस क्या है अगेन, ठीक है, पार्लियामेंट के पहले वाले चैप्टर्स में, इवन प्रेसिडेंट के पहले वाले चैप्टर्स में कवर्ड है वो, लोकल लेवल पे डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस एंड चैलेंजेस, ठीक है, आप बोले थे ना लोकल गवर्नमेंट के कैसे बनाना है, लोकल गवर्नमेंट में हमने पढ़ना है डिवोल्यूशन ऑफ पावर कवर्ड बाय लक्ष्मीकांत, डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस कैसे कैसे हमने फाइनेंसेस को डिवाइड किया है, इश्यूज क्या आ रहे हैं उसमें, एंड चैलेंजेस उसमें क्या क्या है, और वे फॉरवर्ड अपने तरफ से ऐड करो उसमें कभी भी कोई। हाँ जी राइट, समझ गए, आपको कंटेंट नहीं मिल रहा वहां पे, राइट, नो इट, इफ यू नो इट तो डेफिनेटली यू विल गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है, आपके आंसर में अगर वो मनीशंकर अय्यर कमिटी आप बोल रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो एंड इफ इट शोज इन योर आंसर एंड इट इज करेक्ट, देन डेफिनेटली यू विल गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स। अब आपको है कि ये सब हम कहाँ से लाए, उसमें तो दिया हुआ नहीं है, हाँ उसमें दिया हुआ नहीं है, तो आपको तो पता चल गया मनीशंकर कमिटी है, बट सम अदर कोई कमिटी हो और कोई भी टॉपिक एंड इफ यू डोंट नो, ठीक है, व्हाट यू कैन डू, सिंपली आप जो है उसको गूगल कर लें, ठीक है, सिंपली आप गूगल कर लें, या आप सेकेंड एआरसी का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, मैंने एक आंसर राइटिंग पे एक सेक्शन बनाया है, ठीक है, उसमें बेसिक चीज़ें मैं कवर करूँगा कि अगर कुछ नहीं आता है तो हाउ शुड यू थिंक कि इसमें हम मेरे को कैसे रेफरेंस देना है किस चीज़ का, ठीक है, तो सेकेंड एआरसी ने गवर्नेंस पे आपका एक पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ तो आपको दिया है रिकमेंडेशन फाइनेंसेस पे दिए हुए हैं, उसमें यू कैन कोट सेकेंड एआरसी, ठीक है, अगर बहुत ही कंटेम्प्रेरी कोई कमिटी है तो वो आपके करंट अफेयर्स उसको कवर कर लेंगे, बिलीव मी वो कर लेंगे कवर, ठीक है, वाइटल नहीं होता कि एक ही पर्टिकुलर चीज अगर आप नहीं दोगे तो आप मिस आउट, अनलेस वो स्पेसिफिकली पूछा हो, एंड वो बहुत कम होता है कि एकदम स्पेसिफिक कुछ पूछ रहे हैं रिलेटिंग टू पर्टिकुलर कमिटी, ठीक है, कि बहुत स्पेसिफिकली वो पूछती है, अनलेस कोई बहुत ही प्रोमिनेंट कमिटी जैसे सरकारिया कमीशन है, ठीक है, माइट दे माइट आस्क, ठीक है, ऑल्दो बहुत पुराना है बट ठीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से आइडेंटिफाई करो, सेकेंड एआरसी का रेफरेंस यू कैन गिव, इसी तरह से अदर जो इश्यूज होते हैं उसमें यू कैन गिव, आप सोच सकते हो पहले कि फॉर एग्जांपल अगर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस है सपोज, और आपको कुछ भी नहीं आ रहा कि क्या है, तो मन में सोचो कि लॉ कमीशन है वो इन सब चीजों पे रिकमेंडेशन देता ही है, जो ये सारी आपकी लीगल वाली चीजें हैं ना, लॉ कमीशन गिव्स रिकमेंडेशन, तो आप सोचो कि कहीं लॉ कमीशन ने कुछ बोला था, सपोर्ट किया था, अपोज किया था, क्या बोला था, ठीक है, उसके रेलेवेंट बॉडी कोई है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की बात हो रही है तो रेलेवेंट बॉडी इज ईसी, ईसी का खुद के क्या व्यूज है, ट्राई अगर आपने पढ़ा होगा तो वो याद आ जाएगा, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो गलत नहीं लिख के आना, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ब्लफ कर दो वहां पे, बट एक
ये तरीका हो सकता है सोचने का कि अगर कुछ इस तरह के लीगल मेजर्स में नहीं आ रहे तो लॉ कमीशन ने क्या बोला है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डिवाइड द सिलेबस, ठीक है। देखो ऐसे मैंने, आप देखोगे कि सारे सिलेबस को जैसे हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज सारे डिवाइड कर लिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, आई एम क्लियर अबाउट इट। व्हेन यू हैव दिस क्लैरिटी, या आप जब पूरी क्लैरिटी आ गई है आपके पास में, देन इट इज वेरी इजी टू टेक क्यूज फ्रॉम द करंट अफेयर्स स्टैटिक पोर्शन। बहुत इजीली आप जो है निकाल पाओगे वहां से इंफॉर्मेशन, ठीक है। आई वुड रिकमेंड, लक्ष्मीकांत में एक टेबल दिया हुआ है, देयर इज अ टेबल, ठीक है। उसमें फीचर्स दिए हुए, क्या क्या फीचर्स हमने लिए हैं, कहाँ कहाँ से लिए हैं, ठीक है। एक तो आप वो कर लो कि यू विल गेट आइडिया कि हमने कहाँ से, हमारी सिमिलैरिटीज क्या हैं विद कॉन्स्टिट्यूशन, और मेजर कॉन्स्टिट्यूशन से आप कंपेरिजन प्रिपेयर कर सकते हो, यूएसए यूके, ठीक है। दीज आर टू मेजर जिससे आप प्रिपेयर कर लो। इसके अलावा भी और भी आप जा सकते हो, बट आप देखो कि मेजर हमने फीचर्स जहाँ से हमने फीचर्स लिए हैं या जहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड है वहाँ के आप कंपैरिजन करो, और वंस यू नो द सिमिलैरिटीज तो डिफरेंसेस भी ऑब्वियसली, उसके अलावा थोड़ा डिफरेंट है हमारा पॉलिटी, हमारा जो सिमिलैरिटी है उसके अलावा हमारी पॉलिटी इज डिफरेंट, तो यू कैन प्रिपेयर दैट। उसमें ना एक तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, हाउ इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है, हाउस का कंपोजिशन कैसे है, ठीक है, बाइकैमरल है, ठीक है, सिंगल एक ही हाउस है, ठीक है, या दो हाउस है। हाउस में यूएसए से कंपेयर करें तो अपर हाउस में रिप्रेजेंटेशन किस हिसाब से होता है, हमारे यहाँ किस हिसाब से होता है, नॉमिनेशन होता है कि नहीं, प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं, ठीक है, जजेस का क्या रोल है, कितना इंडिपेंडेंस है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जुडिशरी टू जुडिशरी, जुडिशरी टू जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। फिर प्रोसेसेस को कंपेयर कर सकते हो आप, स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। आप वो देखो अपना पॉलिटी का, आप ये देखो सिलेबस, ये देखो आप जो स्ट्रक्चर है, यूनियन एग्जीक्यूटिव टेरिटोरियल एक्सटेंट, ठीक है, वो तो टेरिटोरियल एक्सटेंट में तो खैर पॉलिटी वाइज को कंपेरिजन नहीं है, बट जो हमारा स्ट्रक्चर है एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का, जुडिशरी का, इस वाइज आप कंपेयर करो पॉलिटी का, वोटिंग कैसे होती है वहाँ पे, वोटिंग एज क्या है हमारे यहाँ, वोटिंग एज क्या है, इस टाइप के कंपैरिजन, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन की बात आए तो यू कैन प्रेजेंट, ठीक है। और बहुत मेन कंट्रीज का ही प्रिपेयर करें, हर कंट्रीज का नहीं आने वाला है, और मेन कंट्रीज चार पांच ही हैं, आप वो चार्ट देखो। हाँ जी, रिसोर्स, आई वुड रेकमेंड कि लक्ष्मीकांत से आप सिमिलैरिटी वो चार्ट आप अच्छे से कर लो, बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि उसमें जो जो एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप उन एस्पेक्ट्स को डिटेल में पढ़ोगे, वहाँ पे हर चैप्टर में आप उन एस्पेक्ट्स को पढ़ने वाले हो, तो एलैबोरेशन आप कर लोगे, ठीक है। यू नीड टू नो जस्ट कि कौन से एस्पेक्ट हैं जो हमारे सिमिलर हैं, ठीक है, और बाकी उसमें से जो तीन बड़ी बड़ी आपके ज़्यादा लग रहे हैं, ज़्यादा जिससे हमने फीचर्स लिए हुए उन उनका आप सिंपली गूगल इट, ठीक है, ठीक है। इसमें आंसर जब लिखोगे, आई वुड रिकमेंड कि एक टी फॉर्मेट में आप इसका कंपेरिजन प्रेजेंट करो, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, टी फॉर्मेट, यू नो, ठीक है, एक साइड ये, एक साइड ये, इंडिया यूएसए प्रेजेंटेशन, ठीक है। लक्ष्मीकांत में प्रेशर ग्रुप का एक चैप्टर है, वो करो, कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर्स वगैरह से आप उसके एग्जांपल्स उठाओ, ठीक है। इस बार एक फार्मर्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है, मोर और लेस इफ यू नो प्रेशर ग्रुप्स हाउ दे वर्क, आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे, ठीक है। आप एक डेफिनेशन तैयार करो प्रेशर ग्रुप्स की, ठीक है, मान लो कोई स्पेसिफिक प्रेशर ग्रुप आ गया, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स, तो आपने वो फार्मर्स प्रेशर ग्रुप क्या होता है प्रेशर ग्रुप की डेफिनेशन से उसको इन्फर करके लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कैसे कैसे वो करते हैं प्रोटेस्ट, या कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी को, दिया हुआ है ना, कंटेंट आपका रेडी है, उसको आप कर लो। न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ते होगे तो आपको ध्यान में होगा कि उन्होंने कैसे साइलेंट मार्च निकाला था, जंतर मंतर पे आए थे, कुछ महाराष्ट्र के फार्मर्स थे, दे वर रियली अनहैप्पी अबाउट द मिल्क प्राइसेस, तो उन्होंने मिल्क ही गिराना शुरू कर दिया, है ना। दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स जिसको आप लिखोगे तो आपको लगे, उनको लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि आप जो लिख रहे हो एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है। तो एक दो पेज के नोट्स बना लो इसके, ठीक है जी। नो नो, हाउ, जो क्वेश्चन है वो क्यों बोलेगा आपको फार्मर्स का, फार्मर्स ये तो आपको जानना चाहिए, जब आप प्रेशर ग्रुप्स पढ़ रहे हो उसमें यू शुड नो
प्रेशर ग्रुप्स आर बेसिकली जो आउटसाइड पॉलिटी रहते हैं बट दे स्टिल ट्राई टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी फॉर उनके बेनिफिट के लिए, बेसिक है ये, ठीक है। तो इसमें तो हर कोई आ जाएगा ना, एवरीबडी जिसका एक एसोसिएशन है बट वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली बट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस कि अपना काम हो जाए, ठीक है, तो वो प्रेशर ग्रुप है, ठीक है। वो आप कुछ तो चीज़ें आपको इन्फॉर्म करनी पड़ेगी, फार्मर्स आर वेरी प्रोमिनेंटली आपको ध्यान में आना चाहिए प्रेशर ग्रुप है, ठीक है। तो उसके बाद, हाँ जी, यस जी, कर सकते हैं बिल्कुल, रेफरेंस अगर दे सकते हैं आप तो बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। जैसे एक विमेन रिजर्वेशन का एक बिल था, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पाया वो लॉ, ठीक है, रेफरेंस यू कैन गिव, ठीक है, बट ब्लफ नहीं करना, है तो ही आप बताना, अगर आपने कहीं पढ़ा हुआ है एफर्ट लेके आप उसको तैयार मत करना कि एक बिल है जो एक हाउस में है उस पर आप पूरा कर रहे हो, वो नहीं। मेजर कुछ बहुत बड़ी चीज है तो यू कैन प्रिपेयर, बट जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहीं पेंडिंग है तो जस्ट गेट एन आइडिया और देखो कि एग्जाम तक आपका क्या उस पर अपडेशन रहता है, कैसे वो प्रोग्रेस कर रहा है, क्या क्या उसके मेजर फीचर्स वगैरह हैं, बट डोंट, मतलब अनलेस यू नो स्पेसिफिकली कि ये बोला है, यू कैन वेरी वेल पुट इट रिकमेंडेशन में आराम से डाल सकते हो। जी, प्रीलिम्स में आई डोंट थिंक सो कि ऐसा पूछेगा, मतलब बहुत काफी चीजें हैं पूछने को उसके अलावा, बहुत चीजें हैं, डोंट यू वरी, ठीक है, नहीं पूछेगा वो। आई थिंक मैं आपको आंसर राइटिंग का बहुत, सिंस मैं सोच रहा था काफी ब्रीफ रखूंगा सेशन कि आप लोग भी बोर नहीं हो जाएं, काफी लोग सो ना जाएं, बट आंसर राइटिंग में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, ठीक है। आई प्लान टू डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस आल्सो बट आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाएगा वो। तो आंसर राइटिंग पे, ये आंसर राइटिंग है, पहले तो आपको ये जानना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू नो 10 मार्कर एंड 15 मार्क्स, ठीक है। अकॉर्डिंगली पहले प्लान करना है हमको, 7 मिनट में हमको आंसर लिखना है 10 मार्क्स का, ठीक है। 15 मार्क्स के लिए वी कैन टेक 10 to 11 मिनट्स, ठीक है, अपनी स्पीड उस हिसाब से आपको एडजस्ट करनी है। एंड ऑल्सो यूपीएससी का पैटर्न इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कल को कुछ भी कर सकते हैं विद द कंपोजिशन ऑफ मार्क्स फॉर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैक्सिमम स्कोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेपर खत्म करना है, यू नीड टू कंप्लीट पेपर्स। आपने एक 15 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन छोड़ दिया, मेजर डिसएडवांटेज यूपीएससी में एक एक दो दो तीन तीन नंबर पे मल्टीपल रैंक्स बदल जाते हैं, आपकी सर्विस बदल जाती है, ठीक है। यू टू कीप इन माइंड, यू हैव टू कंप्लीट द पेपर, हैव टू कंप्लीट द पेपर, डोंट लीव अनलेस एकदम ही नहीं आ रहा है, इंस्टेड ऑफ बहुत मेजर लेवल का ब्लफ करने वाले हो, डोंट, देन आई वुड नॉट रिकमेंड। बट कुछ तो आता होगा, आपकी प्रिपरेशन अगर सिंसियर है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ तो आता ही होगा। तो आई वुड रिकमेंड कि पूरा पेपर करके आना है, ठीक है। बेसिक फ्लो होता है एक आंसर का, दिस यू, अच्छा इंट्रोडक्शन पे हम सीधा आ गए, दिस इज बेसिक फ्लो, ठीक है। इंट्रोडक्शन, हाउ यू इंट्रोड्यूस आंसर, एक लाइन दो लाइन, ठीक है, 15 मार्कर, 3 लाइन्स 4 लाइन्स में भी। बॉडी, मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। वैल्यू एडिशन, ठीक है, डायग्राम्स, मैप्स, क्या। कंक्लूजन, कंक्लूडिंग, क्या आप लास्ट में आपका क्या है कहने को, ठीक है। बेसिक फ्लो है, थोड़ा हम इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप, यू कैन स्टार्ट योर आंसर, ठीक है, कैसे आप आंसर लिख सकते हो जीएस में। इंट्रोडक्शन में आइदर यू कैन स्टार्ट विद अ डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन आया, यू कैन राइट व्हाट अ सिटीजन चार्टर इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सिटीजन चार्टर, ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन ने जो बोला है मेरिट डिमेरिट लिमिटेशंस वे फॉरवर्ड, उस पर जाएंगे आप सॉल्यूशंस। और यू कैन स्टार्ट विद पार्ट, आर्टिकल, कमिटी वगैरह, जो आपका स्टार्टिंग नॉलेज है रिगार्डिंग, स्पेशली रिगार्डिंग पॉलिटी के क्वेश्चंस, ठीक है। डीपीएसपी पे आया, क्या बोलोगे आप, पार्ट याद है तो ठीक है, पार्ट 4, वेरी इजी, फंडामेंटल राइट्स पार्ट, वेरी इजी, जो इजी वाले आ रहे हैं तो ये नहीं कि अरे ये तो पता होगा सबको, लिख दो क्या जाता है, ठीक है, लिख दो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, है ना, उसमें है आर्टिकल 14, ठीक है, डीपीएसपी लिख दो, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पूछा जो बाद में अमेंडमेंट से आया है, फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, तो वो लिख दो, पार्ट ये है, अमेंडमेंट ये था,
ये आर्टिकल पे आ गया, ठीक है, ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कोई भी चीज को, ठीक है। ट्रिब्यूनल पे क्वेश्चन आया है लास्ट टू टाइम्स, ठीक है, पार्ट 14 है, आई थिंक 14 है, स्वर्ण सिंह कमिटी 42nd अमेंडमेंट, आर्टिकल 323A(b), ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, और यू कैन डिफाइन व्हाट अ ट्रिब्यूनल इज, ठीक है, उसके बाद दे दो। हाँ जी, हाँ जी, आई हैव टोल्ड यू दिस, दीज आर फ्यू वेज विच यू कैन चूज, एनी चूज, एनी, नो नो, इन जीएस यू हैव टू बी वेरी डायरेक्ट, वेरी टू द पॉइंट, इतना एसे नहीं है ये, इट इज नॉट एन एसे, ठीक है। कंटेक्स्ट, एनी रीसेंट डेवलपमेंट, ठीक है, स्पेशली इन आईआर, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, कोई रिसेंटली हमने कुछ किया है, कोई कंट्री से पर्टिकुलर चीज हुई है, कोई डेवलपमेंट हुआ है, तो यू कैन मेंशन। नो नो, आई एम सेइंग वन ऑफ द वे, दीज आर वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन स्टार्ट योर आंसर, नॉट लिमिटेड टू दीज ओनली, यू कैन फाइंड आउट अदर वेज ऑल्सो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये मैंने कुछ जनरल जिससे शुरू कर सकते हैं, ठीक है, मैंने जब पेपर दिया था मैंने मोस्टली इन तीनों में से किसी में से किया था शुरू, ठीक है, यस, राइट। आई थिंक वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से था क्या, कि वो माइनॉरिटी का तो नहीं है कोई एक्सेप्शन 15(4) में, हाँ, राइट राइट राइट, यस यस, यू कैन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट एवर यू थिंक, इफ यू कैन, देखो एक तो क्या है ना, 10 मार्कर क्वेश्चन में यू हैव टू प्राइमरली एड्रेस द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस कि आप कैसे शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर पूरी कहानी लिखने लगेंगे तो आपका यू हैव पेजेस की भी लिमिटेशंस है ना आपके, यू हैव टू पेजेस ओनली, ठीक है, यू नो इट, ठीक है, आप लिख दो, कोई इशू नहीं है, बट देखो कि एट द सेम टाइम 2-3 लाइन में हो रहा है ना वो, ठीक है। कई बार बहुत डायलेमा आता है, वी नो सो मच कि अभी मन करता है यार आधा पेज भर दें इसमें, बट उससे बेनिफिट नहीं होने वाला, यू हैव टू एड्रेस द सेंट्रल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वरना कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। अगर आपको आता है एंड इफ यू सी कि अगर वो आ रहा है आपका 2 लाइन में 3 लाइन में आ रहा है, तो डू दैट, बट डोंट कि आप पूरा उस पर आधा पैराग्राफ लिख रहे हो, एंड आपको अपने राइटिंग का आइडिया कि कितना स्पेस ले रहे हैं वो, ठीक है, अब 2 पेजेस हैं आपके तो आप कितना स्पेस ले रहे हो, ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखो, ठीक है। फिर दिस ऐसे आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो, देन वी कम टू द बॉडी, यहाँ पे मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हम एड्रेस करते हैं, तो थोड़ा फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसमें, आपको कुछ मैं पॉइंटर्स दे रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक तो है कि नो बायस और एक्सट्रीम पोजिशन नहीं लेनी है, ठीक है, कोई भी पे बहुत एक्सट्रीम पोजिशन नहीं लेनी है, नहीं ये तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यू स्ट्रांगली अग्री और यू स्ट्रांगली डिसअग्री कर दिया आपने वहाँ पे, ठीक है। एक बैलेंस रखो, हर चीज के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, कीप अ ब्रॉड माइंड, ऑल एंगल्स, कंसिडर ऑल एंगल्स, ठीक है। अगर इश्यूज ही पूछे हैं, सिर्फ इश्यूज पूछ के छोड़ दिया क्वेश्चन ने, एक दो उसको थोड़ा बोनस आप एक दो सोल्यूशन दो, आई नो इश्यूज, आई नो सोल्यूशन ऑल्सो, ठीक है, वो इस्टेब्लिश करेगा कि हाँ चलो आपको इश्यूज पता है तो यू नो कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। सब्सटेंशिएट योर आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करो, ठीक है, थ्रू वॉट, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स मेंशन करो, एज आई हैव सेड, कमिटीज मेंशन करो, अगर कोई रेलेवेंट कमिटी आपको लग रही है कि इसके अराउंड एक कमिटी है, ठीक है, अगर इलेक्शन से रिलेटेड है तो दिनेश गोस्वामी, वेदर यू कैन कोट और नॉट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इंद्रजीत गुप्ता कमिटी है, वेदर यू कैन कोट और नॉट, ठीक है। लॉ कमीशन कम्स अप विथ, ठीक है, रिकमेंडेशन, ठीक है, इलेक्शंस पे भी हैं लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन, प्रिजन रिफॉर्म्स पे भी हैं, ठीक है, कोर्ट ऐसा नहीं कि सारे ही कर देने हैं, दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड कि मैं ये कोर्ट कर सकता हूँ टू सब्सटेंशिएट माई पॉइंट्स। सेकेंड ARC गवर्नेंस आप पढ़ोगे, बहुत चीज़ों पे सेकेंड ARC नहीं, मैं बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं, कुछ इंप्लीमेंट भी हो गए लोकपाल, ठीक है, कुछ हैं जो इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं तो उनका स्कोप है इंप्लीमेंट होने का, यू कैन राइट दैट। सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंसेज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट समटाइम कमेंट्स, कुछ कुछ कमेंट करते हैं वो,
फॉर एग्जाम्पल एनएचआरसी को उन्होंने टूथलेस टाइगर बोला था, ठीक है, हाँ हाँ जी, सीबीआई को केज्ड पैरट। तो जब आप क्रिटिसिज्म अगर दे रहे हैं, इट्स बेटर देन आप केज्ड पैरट बोल रहे हो, आप बोलो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो केज्ड पैरट। केस लॉज, बेसिक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल याद है सबको, केस लॉज कैसे देने हैं, ठीक है, आर्टिकल 356 पे क्वेश्चन आ गया तो केस लॉ देना है। रिपोर्ट्स, एडीआर, कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूँ, एडीआर है, असर है, एजुकेशन पे देते हैं ये सर्वेस, एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इनके कुछ आते हैं आपको करंट अफेयर्स में, इनके रेफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है, स्पेशली पॉलिटी पे बहुत देते हैं, प्रोसेसेस पे, ठीक है, पार्लियामेंट में कितना काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, एब्सेंटिज्म कितना है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, वेमेन लेजिस्लेटर्स कितने हैं, एडीआर वगैरह देते हैं, ठीक है, ये जस्ट रेफरेंस है। इसी तरह के आपको जो भी रेफरेंसेस मिलते हैं, हंगर हंगामा रिपोर्ट एक आती है हंगर एंड माल न्यूट्रिशन पे, सिमिलरली ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी हाल फिलहाल में आया हुआ है, उसके बाद में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, उनके आपको सब्सटेंशिएट करने के लिए उनको कोट करना है कि ये रिपोर्ट ने ये बोला है, कि मैं ये जो असर्शन दे रहा हूँ ऐसे नहीं दे रहा हूँ, एक फाइंडिंग है मेरा, एक सोर्स है मेरी, ये डेटा सेकेंडरी डेटा है, यहाँ से लिया है मैंने, ठीक है, हाँ जी। असर रिपोर्ट होती है ये, असर रिपोर्ट होती है एजुकेशन पे, यू विल फाइंड आउट, ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने लिखा, हाँ जी। रिपीट मत करो, डोंट रिपीट इट, बट एट द सेम टाइम अगर रेफरेंस अगर दूसरे आर्टिकल से वो कनेक्ट हो रहा है तो मेंशन करो। अगर डीपीएसपी में आपको लिस्ट आउट करने बोल दिया सारे आर्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आ भी सकता है, नहीं भी, आई डोंट नो, बट आप पार्ट और वो लिख दो ओवरव्यू की, 36 से 51 तक है वो, ठीक है, उसके बाद में इंडिविजुअल पे आना शुरू करो, और यू कैन डिवाइड देम इनटू गांधीयन, सोशल, ठीक है, न्यू नए वाले, तो उसमें फिर पर्टिकुलर आर्टिकल्स मेंशन कर दो, ये आर्टिकल ने ये बोला, इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट तो क्लासिफाई करके बोल दो, ये इसमें आया, ये इसमें आया, ये इसमें आया, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जाम्पल्स वगैरह भी यू कैन कोट, आप अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स कलेक्ट करो अपने सिलेबस से रिलेट करके, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि ये फलना जगह पे नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा किया डीएम ने, ठीक है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ने अपने रूम की एसीस लगा के वहाँ डाल दिए, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इस टाइप के। पर्टिकुलरली ज़्यादा बढ़िया रहेगी कि आप स्कीम्स टाइप के कुछ इंट्रोड्यूस करो, उन्नयन बांका के बारे में किसी ने सुना है, ठीक है, उन्नयन बांका, ठीक है, इट्स ओके, ये स्कीम बिहार में आई थी, और इसमें जो एजुकेशन और ई गवर्नेंस को थोड़ा उन्होंने कनेक्ट किया, मूक टाइप के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी ट्रैक करते हैं प्रोग्रेस कैसा है गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है, दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स यू विल फाइंड। बुल टू रेडियो है इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन के लिए, छत्तीसगढ़ वगैरह में इसका यूज़ किया है वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में, ठीक है, आ जाएंगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स, यू विल कम अक्रॉस वेल रीडिंग द न्यूज़ पेपर्स, ठीक है। मल्टीपल डायमेंशन स्पेशली इन आईआर, एक कंट्री से हमारे रिलेशन कैसे हैं, एक जो अभी चल रहा है उस कंटेक्स्ट में मत सोचो, इंडिया पाकिस्तान यूएसए का एंगल लगा के ही मत सोचो, थिंक अबाउट इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, H-1B इशू, डिफेंस टाइज कैसे हैं, स्पेस में हम क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट में क्या कर रहे हैं, कल्चर में क्या कर रहे हैं, मल्टीपल डायमेंशन रिलेशनशिप का होता है स्पेशली इन आईआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म करो, कंस्ट्रक्टिव करो क्रिटिसिज्म, नो इशूज, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है क्रिटिसिज्म करने में, जो वैलिड है वो है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर NHRC को टूथलेस टाइगर बोला है तो देर मस्ट बी सम सब्सटेंस इन इट, आप पढ़ोगे कि किन रीजन से बोला है, बट एट द सेम टाइम अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछ रहा है, ट्राई टू गिव सम पॉइंट्स कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसको, सिचुएशन कैसे अच्छी हो सकती है, और ठीक है, कुछ इसमें पूछना है बॉडी में, ठीक है। वैल्यू एडिशन में देखो, अगर स्पेशली तो पॉलिटी में ना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू एडिशन मैप डायग्राम ज्यादा कोई बनाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर आपने बहुत अच्छे आर्टिकल्स बहुत अच्छे ज़्यादा केस लॉज वगैरह कोट किए हैं तो नो नीड फॉर दैट, ठीक है, यू कैन स्किप दैट ऑल्सो, बट स्पेशली इन 10 मार्कर्स कि आप स्पेस कम रहती है ज़्यादा डायग्राम, अगर आपके बहुत अच्छा कंटेंट है लिखने के लिए तो, ठीक है, अगर ज़्यादा कंटेंट नहीं है थोड़ा सा, अगर आप यू वॉन्ट टू मैनेज द स्पेस तो आप एक डायग्राम फिट कर सकते हो वहाँ पे, पढ़ते हुए आप बना सकते हो कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बार वो आया था क्वेश्चन आपका बेसिक स्ट्रक्चर, सॉरी पार्डन मी, फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, यू कैन ऐसे आराम से जस्ट ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर
जुडिशरी, ठीक है, ये सेपरेशन ऑफ पावर प्लस चेक्स एंड बैलेंसेस, ये कैसे बताना है? ठीक है, यहाँ पे दो दो पॉइंट लिख दो, आर्टिकल्स या कुछ भी मेंशन कर दो जिससे सब्सटेंशिएट हो जाए कि एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस रख रहे हैं, ठीक है, दिस यू कैन इनकॉर्पोरेट, ठीक है. मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आई आर टाइप क्वेश्चन. आई आर में अगर इफ यू कैन मैक मैप, जैसे बिमस्टेक पे क्वेश्चन आया तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया कवरिंग एक मैप उस रीजन का बना दिया और हाईलाइट कर दिया ये कंट्रीज है, सारे के बॉर्डर्स नहीं देने, जस्ट टू इंडिकेट दीज आर द कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ द बिमस्टेक, ठीक है, सार्क, ठीक है, या इंडिविजुअल कंट्री में आ गया रिलेशन इंडिया ईरान में, ठीक है, सपोज करो आ गया तो वेस्ट एशिया वाले रीजन से लेकर इंडिया तक का बना दो एंड शो द रोड टू छाबहार पोर्ट से हम कैसे फिर वो कर सकते हैं, ठीक है. एक पॉइंट अगर आप छाबहार पोर्ट का दे रहे हो तो अदरवाइज यू कैन इंडिकेट ऑल्सो यहाँ इंडिया है, यहाँ ईरान है, बट वो देने से थोड़ा सब्सटेंशिएट हो जाता है, मैप ऐसे ही नहीं बनाया है, कुछ आप बताना चाहते हो उसके थ्रू, ठीक है. टाइम लाइन, दिस ऑल्सो कैन बी मैंशन, लाइक सबसे क्लासिक एग्जाम्पल इसका वो बेसिक स्ट्रक्चर वाला, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसकी एक टाइम लाइन है, सर ने बोला था अभी मैंशन किया था कैसे शंकरी प्रसाद केस से मिनरवा मिल्स केस, उसकी टाइम लाइन शो कर दो इफ यू कैन रिमेंबर, ठीक है, नहीं रिमेंबर तो कोई बात नहीं, ठीक है, जस्ट अ वैल्यू एडिशन कि अगर आधा भी नंबर मिल गया इट मेक्स अ डिफरेंस. कंक्लूजन, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, डोंट स्टिक अभी के सिचुएशन में, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक, आगे हम क्या कर सकते हैं, गिव गिव एग्जामिनर एन एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है. डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्रिटिसिज्म आपने कर दिया, फॉर एग्जाम्पल दो तीन लाइन अलग से आपने सोल्यूशन दे दिए, फिर या तो एक सोल्यूशन के साथ ही उसको खत्म कर दिया या एक कमिटी का सिर्फ बता रहा हूँ जैसे कोर्ट कर दिया किसी को नीचे कि एससी ने बोला है कि ये कर लो जल्दी से तो ये काम हो जाएगा, ठीक है. डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफकोर्स, ये बहुत रिलेटिव है, ऐसा नहीं कि एक बहुत ही आपको मैं स्टैटिक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हो. आप कोर्ट कर सकते हो एससी को, लॉ कमीशन को, सेकेंड एआरसी को, सरकारिया कमीशन को, ठीक है, फॉर गवर्नर और इसमें आया कि कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर्स वगैरह में, तो सरकारिया कमीशन ने क्या बोला है उसके लिए, ठीक है, उसके इसी हिसाब से अगर प्रोडक्टिविटी कम है हाउस की तो पंची कमीशन ने क्या बोला है, नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है, ठीक है, बहुत बेसिक छोटा सा एक रेफरेंस देके कि हमें इनकी भी रिकमेंडेशन जैसे कि ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है. वे फॉरवर्ड, दीज आर वन ऑफ द वेज, ये नहीं है सारा ही कंक्लूजन में डाल देना है, नहीं, वन ऑफ द वेज है. वे फॉरवर्ड बता दो सीधा सीधा आप, ठीक है, बहुत ज्यादा आपने चैलेंजेस मान लो कि 10-12 चैलेंजेस डिस्कस कर लिए, जगह नहीं बची एक लाइन का वे फॉरवर्ड कुछ, जिसमें 5-6 टॉपिक पॉइंट्स लिख दिए आपने, मतलब एक एक वर्ड का, ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो सम अप योर आर्गुमेंट्स, दिस इज लास्ट रिजॉर्ट. कुछ भी और नहीं सूझ रहा है तो जस्ट जो आपने बोला है कि ये तो हमने देख लिया कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सो वी नीड टू वर्क अपॉन इट. बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस टाइप ऑफ, ज्यादा नहीं, बट ये है कि लास्ट रिजॉर्ट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन डू दिस. ओके, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर करूंगा सिर्फ, ज्यादा कंटेंट नहीं बोलूंगा तो टाइम बहुत हो रहा है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं. लेट मी सी, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इस बार 10 मार्क्स के लिए 2019 में पूछा था, डू यू थिंक दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, रादर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, एक्सप्लेन. इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं घुमाया है इसमें, सीधा सीधा पूछा है, 10 मार्क्स का है, 2 पेज में भरना है, हमें टोटल मिला के 10 से 12 पॉइंट्स लिखने हैं ओवरऑल, ठीक है, एस्पेक्ट्स, नॉट कि 1, 2, 3, 4 करके 12 ही करने, 10 से 12 एस्पेक्ट लिखने हैं. ये एक हम इसमें ये डायग्राम डाल सकता टू एडिशन. इंट्रोडक्शन में कैसे क्या करोगे आप इंट्रोड्यूस, गिव मी सम आइडिया. आर्टिकल 50 आर्टिकल 50 से शुरू करोगे आप. ओके, एनी आप मैम कुछ आ रहा है, इट्स ओके. हाँ, आई वुड हैव स्टार्टेड विद दैट, इट्स फाइन, आप उससे भी कर सकते हो, इट्स अ वेरी करेक्ट वे, इसमें कोई रॉन्ग और राइट वे नहीं है. आई वुड हैव स्टार्टेड विद दैट कि एक सेपरेशन ऑफ पावर बोल रहा है, तो मैं बता देता सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, मॉन्टेस्क्यू ने बोला था क्या,
ठीक है, उसके बाद चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है, ठीक है, क्लियर। पहले फिर बताते एक पार्ट में कि सेपरेशन ऑफ पावर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, है। कैसे? तीन हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है। सर ने बोला आर्टिकल 50, उसमें बोलता है जुडिशरी, दोनों को सेपरेट करना है। आर्टिकल 50, इस तरह के और दो तीन पॉइंट अगर आ जाए तो ये दिस वे यू हैव एस्टैब्लिश्ड कि सेपरेशन ऑफ पावर तो है, बट अभी बोला ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस ये आपके ज्यादा हैं। कैसे? अब यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट। कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं? गिव मी सम पॉइंट्स। आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32, वेरी बेसिक, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 226 भी बोल सकते हो, ठीक है, हाँ जी। फिर और बहुत सारे हैं कि प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है 123 में, ठीक है। उसके अलावा जो कोर्ट कंडक्ट है जजेस का वो डिस्कस नहीं हो सकता एक्सेप्ट जब उनका रिमूवल का चल रहा हो, पिटिशन पेंडिंग हो। उसके अलावा है जनरली स्पीकर के पास भी सम पावर्स है, प्यूनिटिव पावर्स है, ठीक है। इसी तरह से आर्गुमेंट्स आपको चेक्स एंड बैलेंसेस पे देने हैं कि कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस है और चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों है। यहाँ पे सेपरेशन पावर में एक लाइन ये भी लिख सकते हो, सेपरेशन ऑफ पावर क्यों दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आप चेक्स एंड बैलेंसेस पे बोल के फिर बता सकते हो कि वाई इंडिया में क्यों है ये चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। दो तीन पॉइंट, ज्यादा नहीं, ऐसे आप देखोगे तो 12 पॉइंट तो आराम से आपके हो जाएंगे, ठीक है। फिर जस्ट राइट है कंक्लूजन इसमें, ठीक है, ये हमारे पॉलिटी के लिए कैसे बढ़िया है ये लिख सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली एक जस्ट अ वे टू राइट, आप अदर वे भी प्रेफर कर सकते हो, जैसे मोटा मोटा एक आपको ओवरव्यू है कि आपको कंटेंट क्या डालना है इसमें, ठीक है। एक आईआर का ले ले, इंडिया जापान 10 मार्कर है, ठीक है। द टाइम हैज कम फॉर इंडिया एंड जापान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी रिलेशनशिप, वन इन्वॉल्विंग ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट विल हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर एशिया एंड द वर्ल्ड एज अ होल, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा है। इसमें आप इंडिया जापान के रिलेशनशिप से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि इवॉल्व कैसे हुआ, जस्ट दो तीन लाइन में कैसे इवॉल्विंग है अभी हमारा, क्या पहले कैसे इवॉल्व हुआ है, नैम के बाद में कैसा था, आपके लिबरलाइजेशन के बाद कैसा हो गया, जस्ट दो तीन लाइन में आपको ये बोलना है और अभी बताना है प्रेजेंट रिलेशन हमारे कैसे हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं, कल्चर में भी है, ट्रेड में भी है, स्ट्रेटेजिक भी है। फिर मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, अभी टाइम द टाइम हैज कम टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप, वन इन्वॉल्विंग ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो अब आप इसमें एरियाज आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या एरियाज हैं एंड क्या क्या रीजंस हैं जिसके वजह से हमारा अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में इंडिया जापान का बहुत जरूरत है स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिक की। बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हो, स्पेस, सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक, चाइना फैक्टर, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, मल्टीपल डायमेंशंस, ठीक है, कवर कीजिए आप। फिर एक चीज और बताइए कि इम्पेडिमेंट्स क्या हैं, अभी थोड़े एक्स्ट्रा दीजिए, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स इन इंडिया जापान रिलेशनशिप, थोड़ा कि कंपेयर करें चाइना का ट्रेड, जापान का ट्रेड, इंडिया का ट्रेड एंड जापान का ट्रेड में कंपैरिजन एक कर लिया, हमारा डेफिसिट सरप्लस कितना है, हमारे सर्विसेज का इंडिया में एज है उसको कितना मिल रहा है वहाँ पे जापान में, ठीक है, और इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमारी कैसी चल रही है, सीपीए हमने साइन किया हुआ है उस पर क्या प्रोग्रेस है, कितना आ रहा है, इस तरह के जो भी हमारे इशूज हैं, जो इशूज चल रहे हैं, ठीक है, उसको आप बता दो कि हम इन पे हम वर्क कर लें तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कंक्लूड, ठीक है। तो टाइम बहुत एक्चुअली ले लिया मैंने, अदरवाइज मैंने प्लान किया था सारे क्वेश्चन आपसे साथ डिस्कस करूंगा थोड़ा थोड़ा, बट ठीक है, थैंक यू, ठीक है। दिस वाज एनी क्वेश्चन, अभी यू कैन आस्क मी, हाँ जी। अरे डोंट, लॉ कमीशन की वो रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी है आपको, जाके रेफरेंसेस कंपाइलेशन मटेरियल्स में मिल जाएंगे आपको, हाँ हाँ बिल्कुल देते हैं सब, पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में आएंगे, ठीक है, कहीं पे मिल जाएंगे आपको। पूछा था लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन कहाँ से लेनी है, तो अलग से कहीं नहीं जाना, अपना यूजुअल करंट अफेयर्स एंड कंपाइलेशन मटीरियल मिल जाएगा। यस, कोई और?
इम्पॉर्टेंट वंस जो एक्ट बन गए वो, और जिन एक्ट पे आपको मिला नहीं, अपने न्यूज़पेपर में कई बार कवर होता है बहुत अच्छे से, जिन पे आपको मटेरियल मिला नहीं वो पढ़ लो आप वहाँ से, मंथली बुलेटिन उठाओ, बहुत बहुत कंसाइज होते हैं, 20 पेज 25 पेज की होती है वो, जस्ट फटाफट गो थ्रू इट। कुछ आपको काम का तरह स्टिक नहीं करना है बहुत ज़्यादा, बहुत स्मार्टली आपको प्रिपेयर करना है, टाइम बहुत कम है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा मेरे बारे में कर लेंगे डिस्कस, डोंट वरी, आप ऑप्शनल मेरा पब एड नहीं था ना, पॉल साइंस था, कॉमर्स मेरा ऑप्शनल कॉमर्स था, ठीक है। एंड कंक्लूजन में मैं यही बोलना चाहूँगा कि लाइक GS2 बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है, आराम से जो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जिनका हाईएस्ट स्कोर आया है उनका भी ऑप्शनल, टेक्निकल कुछ नहीं था, आई थिंक ही वॉज फ्रॉम जोग्राफी, तो ही हैव स्कोर्ड 125, आई हैव स्कोर्ड 116, ठीक है, प्रिटी गुड मार्क्स, तो यू कैन ईजिली स्कोर हाई मार्क्स इन दिस। आंसर राइटिंग करते रहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, प्लीज़ पे अटेंशन टू दीज पॉइंट्स, बहना नहीं है, इतने ही चीज़ों का ध्यान रखिए, रिवाइज है ना, कम कम पढ़िए, ज़्यादा बार पढ़िए, उसको लिखिए एंड इनकॉर्पोरेट, ठीक है, थैंक यू सो मच।